तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इनैक्ट हुआ है। सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फोर्स में लाया गया है। आईपीसी सिर्फ ये बताता है कौन सा एक्ट थेफ्ट होगा नहीं होगा और कितना पनिशमेंट मिलेगा, खत्म। इस एक्ट के कमिट होने से लेके पनिशमेंट तक की जो जर्नी है ये वो नहीं बताता। ये हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा बीएनएसएस। या इस प्रोसीजरल लॉ का बीएनएसएस का बेसिक पर्पस क्या है, इन दो राइट्स के बीच बैलेंस बनाना। कौन से दो राइट्स? एक इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटी। सोसाइटी और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच बैलेंस बनाना है, इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए आपका लॉ। नजर अगर लेजिस्लेचर ने स्टैट्यूट को बनाया है, पास किया है, तो किस नजर से किया है, वो क्या चाहते हैं, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट। इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का स्टैट्यूट को लाने के पीछे, और यहां तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा था, आपने उसको हटा के नया लाया तो कुछ ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीजें, तभी तो आप नया स्टैट्यूट लेके आए हैं यहाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इनैक्ट हुआ है। सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फोर्स में लाया गया है। और जब हम कहते हैं कि एक पुराने स्टैट्यूट को रिप्लेस करके एक नया स्टैट्यूट आ गया है, तो कहीं ना कहीं जहन में ये चीज आती है कि बहुत मेजर चेंजेस होंगे तभी ऐसी जरूरत पड़ी। अदरवाइज अमेंडमेंट का प्रोसेस तो हमेशा ही था कि स्टैट्यूट्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, समय के रहते हैं, कुछ नई चीज समझ में आ रही, कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हो जाता था। लेकिन जब आप एक पूरे के पूरे एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट को हटा के एक नया स्टैट्यूट उसकी जगह पे लाते हैं, तो बहुत ऑब्वियस ये चीज है कि आपके जहन में आएगा कि भाई कुछ मेजर चेंजेस, मतलब काफी ज्यादा चेंजेस इससे रिलेटेड होंगे। तो अब हम बेसिकली इसी को पढ़ने वाले हैं, इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या कितने चेंजेस या किस तरीके के और कौन कौन से चेंजेस हैं वो करे गए, सीआरपीसी में क्या था और नए वाले में क्या लेके आ गए हैं ये हमको देखना है, ऐसा क्या चेंजेस हुए हैं। और हम देखेंगे कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये कितनी सक्षम है भारत के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, है ना। नाम रखा है तो थोड़ा उसका अमल भी होना चाहिए ना उसके नाम पे, तो देखते हैं कितनी ये सुरक्षा कर पाएगा भारत के नागरिकों की, क्योंकि भारत के नागरिक एक अलग ही अतरंगी प्रजाति है, इनकी सुरक्षा करना भी कोई आसान काम तो है नहीं। बेसिकली देखिए, जब हम इस स्टैट्यूट को पढ़ेंगे तो हम वन बाय वन इसकी चीजें तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसके पहले जहां बदलाव हुए हैं वहां ये मेजॉरिटी तो सेम ही है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। जो चेंजेस हैं वो 15-20% ज्यादा नहीं है टोटल मिला के, लगभग 80% चीजें बिल्कुल एज इट इज जो पहले थी वही की वही है, है ना। मुश्किल से 20% चेंजेस हैं, 15-20% चीजें। तो हम उन जगहों पे ये भी देखते हुए चलेंगे कि अब तो ये पोजीशन है जो एग्जिस्टिंग है, इसके पहले सीआरपीसी में क्या था, और थोड़ा सा उधर पे ऑब्वियसली ये डिस्कशन भी होगा कि ये क्यों किया गया और अब जो चेंज हो गया उसका क्या इम्पैक्ट होगा। भाई कोई भी बदलाव आप जीवन में करते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट लाना चाहते हैं आप, कुछ चीजें उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आउटपुट बदलना चाहते हैं तभी तो आप चेंजेस करते हैं। तो यहां जो सीआरपीसी के एग्जिस्टिंग चीजें थी उनमें जब बदलाव करते हुए कोई नई चीज लाई गई है तो हमें यह भी देखना है कि अब इस नई चीज से क्या और कितना इम्पैक्ट आने वाला है, तो इस बात को भी हम देखेंगे थोड़ा। रही बात की अब क्योंकि थोड़ा नया स्टैट्यूट है इसलिए वैसे तो आपके जहन में ये बात हमेशा रहती है कि कहां से पढ़ना है क्या करना है, लेकिन अब क्योंकि ये नया स्टैट्यूट है तो आप अलग ही जोन में चल रहे हैं कि पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। तो मेरी आपको एक ही हिदायत है इसके रिगार्डिंग, सिर्फ एक नया वाला वेरिएंट ले लीजिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, कोई भी पब्लिकेशन, मुझे किसी से पैसे नहीं मिले, जो आपको समझ में आए बढ़िया लगे, यही दिक्कत है मुझे कोई देता ही नहीं स्पॉन्सर।
कोशिश में रहता हूँ कोई मुझे भी पैसे दे कि मैं कुछ पब्लिसिटी करूं किसी की, लेकिन कोई देता ही नहीं मुझे। इसलिए जो आपको बढ़िया लगे, आप कोई भी पब्लिकेशन का एक बेरेट ले लीजिए, उसके अलावा मेरी समझ में या मेरी तरफ से आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कोई किताब पढ़ें, कुछ जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक एक चीज पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं सारे नोट्स आपको, सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा। जो नोट्स आपके यहाँ बन जाएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, उसके बाद आपको कोई किताब उठाने की जरूरत है नहीं है सच। बाकी अगर आप ईगरली पढ़ना चाहते हैं, आपके जहन में यह है कि भाई और हमें थोड़ा एलैबोरेटेड तरीके से चीजें समझनी है, या कोई रेफरल बुक आप रेफर करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कई किताबें हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। केलकर साहब की एक किताब आती है बड़ी फेमस थी, सीआरपीसी की, मेरे ख्याल नया वर्जन उसका भी शायद आ गया होगा। केडी गौर साहब की एक किताब है जो आईपीसी की भी बढ़िया है, सीआरपीसी की भी बढ़िया है। ऐसे कई सारे पब्लिकेशंस हैं जिनकी किताबें आती हैं, आपको जो समझ में, मास्टर और किताब वही बढ़िया है जो बात समझा दे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब बेकार है। अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें आजकल वो चलता है ना कि आपके टीचर कितने कितनी चैरिटी करते हैं, या वो कौन सी गाड़ी से घूमते हैं, बड़ा मजा आता है बच्चों को ये देखने में। तो ऐसी कुछ एक वीडियो था, उसमें बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, ये जो बैंक एसएससी की कोचिंग है उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, तो एक सर हैं राकेश यादव, अगर आपने सुना हो, उनका एक वीडियो देख रहा था मैं, तो एक ब्लॉगर उनका वीडियो बना रहा था कि उनके पास कौन सी गाड़ी है, तो वो बड़े मॉडेस्ट तरीके से बता रहे थे कि कोई बहुत नॉर्मल सी गाड़ी से वो चलते हैं। तो उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अरे झूठ बोल रहे हैं, इनके पास रेंज रोवर भी है, ऐसी ऐसी बढ़िया बातें चल रही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई। तो उसमें एक बंदे ने बड़ा बेहतरीन कमेंट किया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा उसका, उसने लिखा था भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मास्टर चोर है या वो कितनी चैरिटी करता है, क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से, मुझे जिसकी बात समझ में आ जाती है वो मास्टर मेरे लिए बढ़िया है, चाहे वो चैरिटी करे या खुद के लिए रेंज रोवर खरीद ले, ऐसा कमेंट करा एक बच्चे। ये है समझदार लड़का, इसको कहते हैं विजडम, उसको असली विजडम आ गई है जीवन में। जिस व्यक्ति से जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आप उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इसीलिए किताब और मास्टर दोनों कौन से बढ़िया है, जो समझ में आए बस, बाकी कोई मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए किताब का तो भैया मेरी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको जरूरत है, हाँ उसके बाद भी, क्योंकि हम तो चीजें पढ़ेंगे, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, मुझे और रेफरल की जरूरत है, कुछ और केसेस देखने हैं, कुछ और उस पर डिस्क्रिप्शन देखने हैं, तो आप कोई भी किताब जो आपको समझ आए वो ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किसकी लैंग्वेज से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। सब हर हर ऑथर का अपना एक तरीका होता है लिखने का, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, किसका अपने समझ में आ रहा है ये इंडिविजुअल चॉइस होती है हमेशा। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। बाकी मेरी तरफ से इस कोर्स में पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं है किताब की, क्योंकि जो चीजें आपको नोट्स वोट्स चाहिए वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक चीज। आज जो हम क्लास में डील करने वाले हैं, अभी अपन सीधा पढ़ना चालू नहीं करेंगे प्रोविजन, वो हम किसी स्टैट्यूट के साथ नहीं पढ़ते, पहले अपन बनाते हैं माहौल कि ये एक्ट क्या है, क्यों है वो सब, और वो बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोविजंस पे क्लैरिटी चाहिए प्रॉपर, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टैट्यूट का ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है, किस नजर, अगर लेजिस्लेचर ने इस स्टैट्यूट को बनाया है, पास किया है, तो किस नजर से किया है, वो क्या चाहते हैं, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट, इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का स्टैट्यूट को लाने के पीछे। और यहां तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा था, आपने उसको हटा के नया लाए हैं, तो कुछ ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर कुछ चीजें, तभी तो आप नया स्टैट्यूट लेके आए हैं यहां। सो यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक। आज जो हम करेंगे इस क्लास में, मैं आपको अब प्रोविजन चालू नहीं कराऊंगा एक एक करके, पहले हमें इसकी भूमिका समझनी है कि ये पूरा एक्ट है क्या, क्योंकि सीआरपीसी में भी वही प्रॉब्लम है जो मेजोरिटी ऑफ स्टैट्यूट्स में होती है, आप डायरेक्ट उठाइए एक एक प्रोविजन पढ़ते जाइए, यहां वैसी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, जैसे सीपीसी में भी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, आपके समझ आता है कि क्या लिखा है, क्योंकि आसान भाषा में ही है, थोड़ा सीआरपीसी भी वैसे ही आपके समझ आएगा, टीपीए टाइप का नहीं है ये, तो कुछ भी लिखा पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या, टीपीए पढ़ा अपन ने अभी लास्ट सब्जेक्ट, उसमें आपने देखा डायरेक्ट समझ ही नहीं आता, दो बार पढ़ लो तो भी समझ नहीं आ रहा, इतना लंबा चार सब सेक्शन से उसमें समझ ही नहीं आ रहा मीनिंग क्या है,
ऐसा सीआरपीसी में आपके साथ नहीं होने वाला, या आपको समझ में आएगा आप क्या पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आएगी, वो जब आप ओवरऑल उसकी स्ट्रक्चरिंग करने जाएंगे ना, सब कनेक्ट करना चाहेंगे ना, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कहीं पे एक चैप्टर अरेस्ट का है, कहीं पे एक चैप्टर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है, कहीं पे एक चैप्टर का नाम लिखा है ट्रायल, बड़ा ही मिसलीडिंग है। क्योंकि उस ट्रायल वाले चैप्टर में पहला सेक्शन में जो प्रोसेस लिखा वो ट्रायल का पार्ट नहीं है, वो अलग है। तो यहां ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे, ऐसा आपके साथ नहीं होगा सीआरपीसी में, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपको समझ आएगा, प्रोविजन का मीनिंग आप डिराइव कर पाएंगे, बट द प्रॉब्लम विल बी द कनेक्टिविटी। ये पूरी स्ट्रक्चरिंग कहीं पे आ जाएगा कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट सुन रहा है, उसके ऊपर चीजें कर रहे हैं। आपने टर्म्स शायद ऑलरेडी सुन, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीआरपीसी पहले पढ़ा है? नहीं मतलब कॉलेज के सिलेबस के एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आपने पढ़ रखा, दो चार लोगों ने पढ़ा है ठीक। बाकी कॉलेज में कितने लोगों के सिलेबस में ये आ चुका है ऑलरेडी और आप उसके एग्जाम को पास कर चुके हैं? ये अद्भुत, ये इसलिए मैंने कहा ना, भारत के नागरिकों की सुरक्षा कोई मजाक थोड़ी। कॉलेज में आ गया है, सेमेस्टर पास कर लिया, उसमें कम से कम उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहां मैंने ये पूछा कि पढ़ा किस किस ने, वहां जनता कम हो गई। चलिए, इसी पे तो हमारी दुकान चल रही है नहीं तो हम बेरोजगार नहीं हो जाएंगे फिर, अगर कॉलेज में ही समझ में आ गया तो। चलिए ये भी ठीक, मुझे भी तो गाड़ी लेनी है भाई नहीं नहीं तो अच्छा, नहीं समझ में आया कॉलेज। तो देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रोविजन तो अपन समझ लेंगे, लेकिन वो कनेक्टिविटी, वो स्ट्रक्चरिंग, कि ये बीच में से कहां से कुछ भी आ रहा है। आप टर्म सुनेंगे कॉग्निजेंस, अब आप कंप्लेंट केस पढ़ेंगे वहां भी कॉग्निजेंस हो रहा है, इधर पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी, वहां भी कॉग्निजेंस हो रहा है, ये चल क्या रहा है। ये जो पूरी स्ट्रक्चरिंग है, अगर आपने एक बार इसको क्रैक कर लिया इस सब्जेक्ट की, तो बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल में वैसे ही ज्यादा तीन पांच नहीं होता सब्सटेंटिव की तरह। आई होप ये डिस्टिंक्शन आप जानते होंगे, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का। सब्सटेंटिव लॉज वो होते हैं जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं आपकी, और प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताता है। आईपीसी, अपन क्योंकि क्रिमिनल लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो क्रिमिनल का जो सब्सटेंटिव लॉ है दैट इज आईपीसी था, है नहीं। आजकल क्या आया है, बीएनएस, क्या फुल फॉर्म है बीएनएस का? ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, मुझे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, इसलिए आई जनरली अवॉइड देम। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएनबीएसए, इससे अच्छा भैया पूरा बोल वो ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी को रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता आया है, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिफाइंड है। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे डिफाइंड है, कोई सिविल लॉ तो नहीं, क्रिमिनल लॉ है वो। राइट्स एंड लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन कैसे बताए उस लॉ ने, इस ऐसे बताया कि उन्होंने एक एक्ट को बताया क्या एक्ट ऑफेंस होगा और उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मतलब आपकी लाइबिलिटी, और राइट्स कहां से डराइव हो रहे हैं, जो ऑफेंस डिफाइन करेंगे वहां से लोगों के राइट को रिकॉग्निशन मिल रहा है या उनको डिफाइन किया जा रहा है। जैसे आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल फोन, उस मोबाइल फोन पे आपका ही हक है, ये आपका अधिकार है, राइट है। इस राइट को आईपीसी रिकॉग्नाइज करता था, और अब बीएनएस उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। कैसे? थेफ्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करके और उसका पनिशमेंट प्रोवाइड करके। इस बात को समझिएगा जरा, क्योंकि ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सटेंटिव लॉज जो हैं, ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं। कैसे बताता आईपीसी राइट्स एंड लाइबिलिटीज? आपके पास एक मोबाइल फोन है, उस पर आपका अधिकार है, उसकी पजेशन आपका राइट है, यस और नो? आपने पैसे देके फोन खरीदा, उसकी पजेशन आपका अधिकार है। इस अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है आईपीसी बाय, मेरे थोड़े टर्म्स को अवॉइड कर देना वो आईपीसी, क्योंकि अब सालों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं तो वही अभी इसका माहौल में आ नहीं पाया है। नए सेक्शन में भी मुझे इसके कुछ याद नहीं है। अभी सीआरपीसी का मुझे 167-160 वही टंग पे है, ये तो अभी नया कार्यक्रम है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसको आप
इग्नोर करिएगा। तो जैसे आईपीसी ने थेफ्ट को डिफाइन किया, डेफिनेशन दे दी और साथ में पनिशमेंट बता दिया, थेफ्ट को डिफाइन करते समय बेसिकली आईपीसी कर क्या रहा है, आपके उस पजेशन के अधिकार को रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्योंकि आईपीसी का थेफ्ट कहता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पजेशन से प्रॉपर्टी को मूव करता है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दिस विल अमाउंट टू थेफ्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब जिससे आप नुकसान पहुंचाने वाले हैं या अनलॉफुल गेन करने वाले हैं। जब आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी और की प्रॉपर्टी उसकी पजेशन से मूव करते हैं, आप थेफ्ट कमिट कर देंगे। इससे क्या हुआ कि कोई और आपकी प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगा आपकी पजेशन से। यही बात रिकॉग्नाइज करना चाह रहा लॉ थेफ्ट की डेफिनेशन देके, कि आपका मोबाइल फोन है उस पे उसकी पजेशन का अधिकार आपका है, कोई और व्यक्ति उसको आपकी पजेशन से मूव नहीं करेगा, अगर करता है तो 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट दे दिया, उस व्यक्ति की लायबिलिटी बता दी। सो दैट्स हाउ सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज। आई होप यू गेटिंग दिस। अब ये काम तो भैया आईपीसी ने करके छोड़ दिया था। फिर आता था सीन में हमारा सीआरपीसी, हमने एक्ट बता दिया, हमने ये बता दिया ऑफेंस कि ये पर्टिकुलर चीज ऑफेंस होगी, इस तरीके से ये ऑफेंस, अगर इस तरीके का एक्ट आपने किया तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, उधर भी डिफाइन था इधर भी डिफाइन है, सब्सटेंटिव में भी डिफाइन था ऑफेंस, प्रोसीजरल में भी डिफाइंड है ऑफेंस। हाँ, क्या होता है ऑफेंस, एनी एक्ट विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ। सिंपल भाषा में इसको समझिए, एनी एक्ट विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ, कोई ऐसा एक्ट जिसके लिए लॉ ने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया वो ऑफेंस है। तो अगर आपने बिना किसी व्यक्ति के कंसेंट के उसकी पजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करी, आप थेफ्ट कमिट करेंगे, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। दैट्स हाउ योर सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये जो एक्ट कमिट होने से लेके पनिशमेंट दिलाने तक की बात है, आईपीसी ने तो क्या कर दिया, आईपीसी ने सिर्फ बता दिया कि कौन सा एक्ट ऑफेंस होगा कौन सा नहीं। तो एक्ट के कमिट होने से लेके कहां तक जाना है हमको, हमको जाना है पनिशमेंट। भाई पूरी ट्रायल व्रायल होगी, कन्विक्शन होगा, तब जाके ना पनिशमेंट मिलेगा। आईपीसी जो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा थेफ्ट के केस में, लेकिन आईपीसी सिर्फ यह बताता है कौन सा एक्ट थेफ्ट होगा नहीं होगा और कितना पनिशमेंट मिलेगा, खत्म। इस एक्ट के कमिट होने से लेके पनिशमेंट तक की जो जर्नी है ये वो नहीं बताता। ये हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा बीएनएसएस या आपका सीआरपीसी, इस जर्नी को बताएगा कि भैया एक्ट कमिट हुआ, अब इसके बाद क्या, इधर से लेके यहां तक, इधर पे क्या आ जाएगा, बीएनएसएस, बीएनएसएस आ जाएगा। एक्ट कमिट हो गया, आपका फोन चोरी हो गया इस क्लास में से, क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करोगे आप भाई। देखिए, क्रिमिनल लॉ का सिंपल फंडा ये है, या जिन एक्ट्स को क्राइम या क्रिमिनल लॉ की या ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, क्योंकि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार की। वहां केस फाइल कौन करेगा, सरकार, आप नहीं करेंगे। हाँ, आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका अगर मैंने ब्रीच करा तो आप जाके मेरे अगेंस्ट सिविल सूट फाइल करेंगे, खुद जाएंगे सिविल सूट फाइल करने। लेकिन आपका फोन चोरी हुआ है तो केस फाइल करने आप जाएंगे क्रिमिनल केस, नहीं, आप क्या करेंगे, सरकार को बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसी को अपन कहते हैं प्रोसिक्यूशन। इसलिए आप देखते हैं क्रिमिनल केसेस में हमेशा एक पार्टी कौन होती है, सरकार, गवर्नमेंट होती है। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार ये काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन लेनी है बस, कि भैया हमारे साथ ये हो गया, फोन चोरी हो गया हमारा। अब केस वेस की फाइलिंग कौन करेगा, सरकार, और सरकार उसके लिए पूरी एक टीम बिठा के रखती है। ये टीम कहां से चालू होती है, पुलिस से। आपका फोन चोरी होगा आप कहां जाएंगे, थाने जाएंगे, थाने में जाके वहां जो व्यक्ति होगा उसको आप इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, पूरी डिटेल पूछ के लिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, FIR, आप जाके FIR कराएंगे, सिंपल। और उसके बाद आगे चीजें, अब कई बार ये भी होगा कि FIR लिख नहीं रहे, तो उसके अपने मैकेनिज्म है। और यहां थोड़े से चेंजेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चालू कर दूंगा जो इस नए स्टैट्यूट ने कर दिए हैं एक्सप्रेसली।
तो भाई देखिए, ये बीएनएसएस सीन में कहां आएगा या इसका क्या काम है, कहां से चालू होगा और कहां तक जाएगा? तो जैसे ही एक्ट कमिट हुआ विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, और वेदर एन एक्ट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस और नॉट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन गिवन इन द सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे ऑफेंस हुआ है कि नहीं, और अगर लगता है कि हाँ ऑफेंस हुआ है तो इस बात की आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को जाके, और फिर आगे का पूरा कार्यक्रम होगा। आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, पुलिस एफआईआर लिखेगी, एक कॉपी आपको देगी, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये सारी कहानी फिर चलेगी एक एक करके। इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर मजिस्ट्रेट के पास कहानी जाएगी, फिर वो देखेंगे, केस चलेगा, उसके बाद एंड में पनिशमेंट तक पहुंचेंगे, एक्विटल और कन्विक्शन। दो तरीके से एंड होता है, इधर एक्विटल और कन्विक्शन। एक्विटल मतलब द अक्यूज्ड इज नॉट फाउंड गिल्टी, कन्विक्शन मतलब द अक्यूज्ड इज फाउंड। अपने आना एक अलग ही कल्चर है, द अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑफेंडर व्हिच इज नॉट ट्रू। अक्यूज्ड कौन होता है, अक्यूज्ड कौन होता है? तो जनता कहती है जिसने ऑफेंस करा। नहीं भैया, अक्यूज्ड वो नहीं होता जिसने ऑफेंस करा, अक्यूज्ड वो होता है जिस पे एलिगेशन लगे हैं कि तुमने ऑफेंस किया है। अक्यूज्ड वो व्यक्ति है जिस पे एलिगेशन लगे हैं, उसने किया कि नहीं किया, इट इज टू बी डिसाइडेड। उसके लिए ये पूरी किताब रची गई है, ये डिसाइड करने के लिए कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसने एक्चुअली करा है कि नहीं ऑफेंस। और अपन पहले डिसाइड कर देते कि अक्यूज्ड वही है जिसने ऑफेंस कमिट किया। नहीं, अक्यूज्ड इज द पर्सन हु इज बीन एलिज्ड दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस। बस एलिगेशन है। अब ये पूरी प्रोसेस होगी, इसमें पता चलेगा वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, एंड द कोर्ट विल डिसाइड एट द एंड। तो मान लीजिए कन्विक्शन, एक्विटल, व्हाटएवर हैपेंस, अब यहां खत्म नहीं हुआ सीआरपीसी। इसका मतलब ये नहीं है कि बीएनएसएस सिर्फ इस बीच का प्रोसेस है। कंक्लूजन हो गया ट्रायल का, या तो पनिश होगा या तो नहीं होगा, गिल्टी होगा या तो नहीं होगा। इसके बाद आगे की भी कहानी है जो ये बात करेगा, बीएनएसएस उसकी भी बात करेगा, चाहे कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल। उसके बाद अपील का ऑप्शन, क्योंकि भाई ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, अभी कोर्ट की हायरार्की भी देखेंगे, वो भी सब इसी में है। ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, उसके बाद आप ऊपर वाले कोर्ट के पास जाएंगे, अगर आप उसके जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस आप हायर कोर्ट के पास जाएंगे अपील लेके, फिर अपील डिसाइड, ये सब भी आपको यही मिलेगा। हाँ, जो आपकी पूरी ट्रायल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा या इंक्वायरी होगी, तीन टर्म बेसिकली यूज होते हैं। अभी तीनों को अपन डिवाइड भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होती है, वो सब समझेंगे। इस दौरान एविडेंसेस भी लिए जाएंगे, उन एविडेंसेस को एग्जामिन किया जाएगा कि उनमें कितनी दम है। अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस स्ट्रांग है तो कन्विक्शन होगा। ट्रायल में कन्विक्शन कब होगा, जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस स्ट्रांग है, और अगर डिफेंस के एविडेंसेस स्ट्रांग है तो एक्विटल हो जाएगा। अब कौन सी चीज एविडेंस में ली जाएगी नहीं ली जाएगी, ये सब डिसाइड करने के लिए एक सेपरेट स्टैट्यूट है। यहां सिर्फ प्रोसेस की बात करेंगे, एविडेंस से रिलेटेड एविडेंस की चीजें डील करने के लिए पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय टाइप का फील आता है इनके नामों में, यही ये बहुत बड़ा एक मतलब लेजिस्लेटिव इंटेंट था। अगर आपने हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना हो जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ही सेड दैट कि वो कॉलोनियल एरा का फील आता है इनमें, एविडेंस एक्ट, और इसमें हमको थोड़ा सा इंडियन टच चाहिए। उसमें चाउमीन में मिर्ची डाल दी, इंडियन टच, इंडियन चाइनीज, चाइनीज वाज ऑल अबाउट सॉसेस, अपन मसाले डाल दे रहा उसमें, इंडियन टच चाहिए ना। ऐसे इधर भी कर दिया इनने थोड़ा सा ऊपर से, ताकि बस ऊपर का ही है, बाकी सब्सटेंस वही है पुराना वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। तो अब यहां पे ये खत्म नहीं हो रहा, इतनी सी प्रोसेस नहीं है, इसके बाद अपील वपील सब इधर ही डील होगा, वो भी चीजें यहां मिलेंगी। हाँ, बीच में एविडेंसेस कैसे लिए जाने उसके लिए भी हैव अ सेपरेट स्टैट्यूट, वो अपने आप ही में एक अलग कहानी, एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो साक्ष्य की बात करेगा, एविडेंसेस की बात करेगा, वो भी एक प्रोसीजरल लॉ है सेपरेट एविडेंस से डील करने के लिए। तो ये तो है आपका अभी बीएनएसएस। अब बीएनएसएस का अगर अपन थोड़ा सा ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखें कि जब बीएनएसएस को या सीआरपीसी को फ्रेम किया गया होगा,
चीजें दिमाग में होंगी, करना क्या था, पर्पस क्या था, सबसे पहले उसको समझिए। करना हमें यह है कि भाई एक ऑफेंस कमिट हुआ है, अब हमें उसको कंक्लूजन तक पहुंचाना है, पनिशमेंट तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर एक सोसाइटी में क्राइम हो रहा है तो यह खतरनाक है, खतरनाक है, इसको रोका जाना चाहिए। अगर हो गया है तो उसका प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन क्या कि जिसने वो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर सोसाइटी में आराम से क्राइम होंगे तो फिर ये सब जो पूरा कॉन्सेप्ट था स्टेट का, कंट्री बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब डिफीट होता है। भाई देश वेश ये सब क्यों बनाए गए थे, लॉ एंड ऑर्डर, सरकार वरकार क्यों, इसीलिए तो है। नहीं तो आप सब डंडा तलवार लेके नीचे एक दूसरे का गला काट रहे होते। ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है गवर्नेंस का, ये इसीलिए ही है ना। और जहां क्राइम ज्यादा हो रहा है वहां पे फिर वो पर्पस डिफीट हो रहा है सरकार का, हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी रिसेंटली इस ये एक मर्डर हुआ, क्या कौन सा, बाबा सिद्दीकी, आप बताइए, एक्स मिनिस्टर गोली मार दी, तो आप और हम तो फिर हमें कोई क्यों ही मारेगा, हमने ऐसा जीवन में किया ही क्या है जो हमें कोई गोली मारे, ये भी एक बात। लेकिन लेकिन फिर भी सेफ फील नहीं कर रहे ना आप, सेफ फील नहीं कर रहे ना, सलमान भाई नहीं कर रहे, वो ठीक है अपन। सलमान भाई बिग बॉस की शूटिंग में नहीं जा रहा है आजकल, क्योंकि अच्छा यही होता क्राइम और सिविल रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग में यही डिफरेंस है। अब बढ़िया एग्जांपल मिल गए मुझे, प्राइवेट और मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी का, वो परेशान कौन है, सलमान भाई और शेरा भाई दोनों। ये होता इंपैक्ट, इतनी सीरियस इंपैक्ट, इतना ग्रेविटी होती है इस तरीके के रॉन्ग्स में। जो क्राइम उन्हीं को कहते हैं जो पब्लिक, पब्लिक रॉन्ग मतलब जो पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट करें, इनको अपन कहते हैं पब्लिक रॉन्ग। और क्रिमिनल लॉ डील करता है पब्लिक रॉन्ग के साथ, प्राइवेट रॉन्ग जो एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट कर रहे हैं उनके लिए सिविल लॉज है हमारे पास। तो ये जो इंसिडेंस है, व्हाई इट इज अ क्राइम, बिकॉज इट इंपैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल। उसके इंपैक्ट के कारण बेसिकली, उसकी ग्रेविटी के कारण बेसिकली ये इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को इस सबसे बचाने की। सीआरपीसी बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। भाई आईपीसी ने तो आपको क्या कर दिया, सिर्फ बता दिया कि कौन सा एक्ट ऑफेंस होगा, क्या पनिशमेंट। उसको एक्चुअली मकाम तक पहुंचाने का काम, कि एक ऑफेंडर को सजा दिलाने का काम, तो एक्चुअली कौन कर रहा है, सीआरपीसी कर रहा है या बीएनएसएस कर रहा है। इसीलिए बीएनएसएस को फ्रेम करते समय या सीआरपीसी को फ्रेम करते समय दो इंटरेस्ट का बैलेंस बनना है। कौन से हैं वो दो इंटरेस्ट, कहां से आते हैं, उस बात को समझिए। एक इंटरेस्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है, कि जो ऑफेंडर है उसको सजा मिले, है कि नहीं सोसाइटी का इंटरेस्ट, कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो क्राइम कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये एक लार्जर इंटरेस्ट है, यस और नो, कन्विक्शन होना चाहिए जिसने किया। अब इस कन्विक्शन तक पहुंचाने में हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स के कुछ अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, सस्पेक्ट्स को पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट से आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आर्टिकल 21 पढ़ा है आपने, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो लिबर्टी का अधिकार है इसका वॉयलेशन ही तो है अरेस्ट, है कि नहीं। भाई लिबर्टी का अधिकार क्या है, कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्री मूवमेंट का अधिकार है। अरेस्ट में आप क्या करते हैं, आप इस राइट को ही ना वॉयलेट कर लेते हैं। भाई इसी राइट को तो वॉयलेट करते हैं आप अरेस्ट करके। हमें दोनों करना है, हमें क्या करना है, कन्विक्शन भी करवाना है और इंडिविजुअल के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, अननेसेसरी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। सो इस प्रोसीजरल लॉ का, बीएनएसएस का बेसिक पर्पज क्या है, इन दो राइट्स के बीच बैलेंस बनाना। कौन से दो राइट्स, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटी। सोसाइटी और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच बैलेंस बनाना है, इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए आपका लॉ। आर्टिकल 21 में मेनका गांधी पढ़ा है आपने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सब पढ़ा है आपने। क्या कहता है वो, यही तो कहता है कि अगर आपको 21 वायलेट करना है तो करिए, बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से करिए। वो प्रोसीजर कौन सा है, यही है वो प्रोसीजर।
और वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, ये बात वहां कही गई है, रीजनेबल होना चाहिए ये प्रोसीजर। रीजनेबल कब होगा? व्हेन देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज टू राइट्स, कि सोसाइटी का राइट भी वॉयलेट ना हो, कन्विक्शन तक पहुंचे हम, जो असली अक्यूज्ड है, जो रियल ऑफेंडर है, उसको सजा मिले, ये सोसाइटी का इंटरेस्ट, और कोई बेगुनाह सताया ना जाए, ये उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोसाइटी का इंटरेस्ट भी है इस चीज में भी, क्योंकि आप भी कभी फंस सकते हैं उसमें, बट इट इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि आपको पकड़ के अंदर कर दिया बिना बात कि आप थोड़े दिन लॉकअप में रह आए, इंडिविजुअल लिबर्टी का वॉयलेशन हो गया ही। तो इस लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरीके से फ्रेम होने चाहिए जो इन दोनों राइट्स के बीच बैलेंस बना पाए, क्योंकि हमें अपना जो गोल है वो भी अचीव करना है। क्या है वो? ऑफेंडर का कन्विक्शन, और साथ में हमें ये भी देख, अब ऑब्वियसली ऑफेंडर का कन्विक्शन करना है, दो चार साथ में पिसेंगे थोड़ा तो, किस हद तक पिस रहे हैं, ये एक काम है आइडल लॉ का, प्रोसीजर का। इसीलिए आप देखेंगे अरेस्ट वरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनमें सेफगार्ड्स भी हैं, और अब वो चीज थोड़ी बढ़ाई गई है विद दिस बीएनएसएस। बीएनएसएस के पीछे एक पर्पस और है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी समझते हैं? और ज्यादा चेक्स, एक व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसीज बढ़ा दी गई हैं स्टैट्यूट में इन कंपैरिजन टू सीआरपीसी। सीआरपीसी में तो आए ही थे अमेंडमेंट्स वगैरह, अरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस, डीके बसु, वो सब तो इंप्लीमेंट हो ही गया था, इधर थोड़ा सा और ये चीज अपन कैसे अचीव कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक, टेक्नोलॉजी की मदद से हर चीज की रिकॉर्डिंग की बातें इधर कर दी गई हैं जो सीआरपीसी में नहीं थी। पुलिस सर्च करने जाती है, उसमें प्रॉपर्टी सीज करती है। पहले क्या होता था, सर्च एंड सीजर के लिए पुलिस जाती थी तो दो इंडिपेंडेंट विटनेस, उधर ही मोहल्ले के दो इज्जतदार व्यक्ति बुलाती थी जो थोड़े ठीक ठाक नेचर के हों, जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी स्पेशल 26, उसमें वो रेड मारते थे, तो जब रेड करते हैं तो एक मास्टर जी को बुलाते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता था सोसाइटी में कि जो मास्टर होते हैं वो थोड़े ठीक ठाक होते हैं, ऐसा पहले अब नहीं होता, और इसमें दोनों का हाथ है, बच्चों का भी मास्टरों का भी, ना मास्टर सब रहे ना बच्चों ने रहने दिया, दोनों की गलती है। तो वहां पे दो इंडिपेंडेंट विटनेस बुलाते थे वो, उसके बाद पूरी लिस्ट प्रिपेयर होती थी कि कौन कौन से आर्टिकल्स वो सीज कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट वो सीज कर रहे हैं, पूरी लिस्ट बनेगी, विटनेस साइन करें, क्योंकि पुलिस तो तीन का पांच करेगी वहां, तो आपने दो इंडिपेंडेंट विटनेस बुला लिए, जो अब वो चीज हो रही थी। लेकिन भैया अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल फोन है ना आपके पास, तो अब इसमें और हमने क्या कर दिया कि वो जो पूरा प्रोसीजर है सीजर, उसके वीडियो बनाओ, जो लिस्ट बनी है वो भी, जो सारे ऑब्जेक्ट आप सीज कर रहे हैं वीडियो बनाओ उसका, और वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करिए विद इन टाइम लिमिट, टाइम लिमिट भी डाल दी उसमें, ठीक है वो लिस्ट तैयार हुई, साइन वाइन सब ठीक है, लेकिन वीडियो बना के भेजो तुरंत। तो भाई टेक्नोलॉजी थी तो उसका इस्तेमाल होना था, और ये किस लिए? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। इससे क्या हो रहा, आंसरेबिलिटी बढ़ रही है अथॉरिटीज, पुलिस की स्पेशली, पुलिस को बहुत संदिग्ध नजरों से देखा जाता है इस पूरे स्टैट्यूट में, हर चीज पे चेक होना जरूरी है पुलिस की, क्योंकि पुलिस वाले लफाड़े मारते हैं बिना बात के, तो इसीलिए चेक होना बहुत जरूरी था। वो ट्रांसपेरेंसी इनहांस करी गई है, आप अरेस्ट में भी देखेंगे तो अब एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पहले नहीं था सीआरपीसी में, इधर आ गया, वो पूरा डेटा मेंटेन करेगा, कौन अरेस्ट हुआ, कहां से हुआ, क्या हुआ सब। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो हमें यहां देखने को मिलेंगे। तो बेसिक बात सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो बीएनएसएस है ये कर क्या रहा है, इन दोनों इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लॉ के ऊपर है ये, कि आपको बैलेंस रखना है, आपको कन्विक्शन तक भी पहुंचाना है और किसी बेगुनाह व्यक्ति को सताया भी ना जाए इस प्रोसेस में, आपको इस तरीके से फ्रेम करना है अपने लॉ को। किया गया, भयानक पढ़े लिखे लोगों ने बनाया, पार्लियामेंट पास करती है ना, पार्लियामेंट में जितने एमपीज हैं भयानक पढ़े लिखे लोग है कि नहीं, कौन है भोपाल से अभी एमपी, कौन है? आलोक शर्मा, आलोक शर्मा जी,
तो भयानक टैलेंटेड लोग ये लोग, इन लोगों ने बना मतलब मॉडिफाई किया, बना तो पहले सही था। सो देखिए अब एक बात समझिए जरा कि आपके पास जो बैरेक्ट है ये तो है कि क्या पर्पस के साथ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इस लॉ की है, तो इस लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। अब जरा देखते हैं अपन कि ये जो पूरा जो मैं आपसे पहले बात कह रहा था कि आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो प्रोविजन का मतलब तो आप समझ पाएंगे लेकिन वो कनेक्शन क्या है। तो जो अभी मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है आपका, अब आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, सीआरपीसी कहां से स्टार्ट होता है, वो ऐप चोरी है या नहीं ये तो सब्सटेंटिव लॉ ने बता दिया, आईपीसी ने बता दिया या फिर बीएनएस ने बता दिया। अब कहानी इसके बाद से चालू होगी बीएनएसएस की, ठीक है चोरी हो गया अब देखते हैं क्या करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, किसको करते हैं, पुलिस। तो ये जो अब अपना कार्यक्रम चालू होगा ये कहां से होगा कि ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन आप जाके देंगे, ये इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं जनरली आप किसको देंगे, पुलिस को, क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, तो जनरली आप ये पुलिस को बताएंगे। तो एक तो ये हो गया कि आप ये इंफॉर्मेशन ले जाके किसको दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, ठीक है। पुलिस अगर नहीं सुन रही है आपकी, आप थाने गए एफआईआर लिखने से मना कर दिया, क्या रिजॉर्ट है आपके पास, मजिस्ट्रेट सीधे, इतने हल्के में ले रहे हो मजिस्ट्रेट को, कि दरोगा नहीं सुना तो जज साहब के पास पहुंच गए, इतने फ्री थोड़ी है यार, मतलब अभी आप फ्री हैं लेकिन बाई चांस आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो फिर आप फ्री नहीं रहेंगे भाई साहब, फिर जीवन में काम है, और ऐसा नहीं कि दरोगा नहीं सुनी तो सीधे जज साहब को फोन कर दिया रे वो एफआई, ऐसा नहीं होगा भाई। तो अगर मान लीजिए ये होता है कि एफआईआर नहीं हो पा रही है तो एसपी के पास जाना है, हायर अथॉरिटीज ऑब्वियसली आप जाएंगे, हायर ऑफिशियल सीधे सीधे वहां पे दिया हुआ है कि इधर पे आप किसके पास चले जाएंगे, एसपी, लेकिन एसपी भी है कौन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जींस तो वही है कि नहीं, जींस तो वही है, सेम है वो, तो पुलिस तो एक ही, मतलब पुलिस क्या है क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, पुलिस क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। अच्छा एक मिनट, इस पे आने से पहले जरा एक चीज और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो ये तीन चीजें, एक होता है आपका इन्वेस्टिगेशन, द अदर इज इंक्वायरी एंड द लास्ट इज ट्रायल। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, ये स्टेजेस हैं अलग अलग। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस, दिस इज डन बाय पुलिस। इंक्वायरी और ट्रायल कौन करता है, ये करता है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन भी आएगा इधर पे, वो भी करेगा ट्रायल। आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहां खत्म हो गया और इंक्वायरी कहां चालू हो गई, और इंक्वायरी कहां खत्म हो गई और ट्रायल कहां चालू हो गया, सीआरपीसी पढ़ा है ना आपने, आपको समझ में आता है ये। इन्वेस्टिगेशन खत्म किधर होता है, चार्जशीट फाइल करने पे, और इंक्वायरी शुरू किधर होती है, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद, खत्म होने के बाद इंक्वायरी, जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कहां से पढ़ा ये, मेरा नाम मत लेना मैंने नहीं पढ़ा है भाई वहां से क्या इंक्वायरी चालू होती है, हाँ मतलब अपन ने वही वाला ये, अच्छा चार्ज लगाने के पहले इंक्वायरी, और ट्रायल किधर जाएगा फिर, चार्ज के बाद, तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल के बीच का वो कहां गया, हाँ ये तो डेफिनेशन पढ़ दी बेटा तुमने, देखिए एक बात ये समझिए कि ये जो तीनों चीजें हैं,
इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इनमें कोई ऐसे वॉटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं बनेंगे कि यहां इन्वेस्टिगेशन खत्म, इसके बाद ही इंक्वायरी चालू होगी, और यहां इंक्वायरी खत्म, इसके बाद ही ट्रायल चालू होगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी ओवरलैपिंग है, थोड़ी ओवरलैपिंग है। बेसिक डिस्टिंक्शन किधर से ड्रॉ हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस, और एनी अदर पर्सन भी कर सकता है, वो सब भी बताया है, बट इंक्वायरी और ट्रायल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट करते हैं। थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में मिल जाएगी। कई बार ये भी होता है कि ट्रायल चल रही है, उस दौरान भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप अभी तक जो कन्वे कर रहे थे वो ये कि इन्वेस्टिगेशन हुआ, खत्म हुआ, फिर इंक्वायरी चालू हुई, वो खत्म हुई तो ट्रायल हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन, उसको कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी के 173(8) में था, इधर वाला मुझे याद नहीं है, अभी करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, सबसेक्शन 9 हो गया 8 की जगह, वो याद है मुझे। तो भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के दौरान भी होता है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि थोड़ी ओवरलैपिंग इसमें है, बट वील बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द प्रोविजंस फ्रॉम द वेयर एक्ट। ये सब अगर आपने पहले क्लियर कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर जैसा मैंने आपको कहा बार बार कि मीनिंग समझने में दिक्कत नहीं है प्रोविजन की, उसकी कनेक्टिविटी समझ नहीं आ रही। प्रोविजन पढ़ लिया यही समझ नहीं आ रहा कि वो किधर है, वो इंक्वायरी में फॉल कर रहा कि ट्रायल में फॉल कर रहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यही समझ नहीं आता इधर। ये सबसे बड़ी दिक्कत है सीआरपीसी में, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो तब आएगा जब पहले इन चीजों को अपन क्लैरिफाई करेंगे तब डायरेक्ट पे कूदेंगे। सीधे एक एक करके पढ़ना चालू मत करिए इसलिए, है ना, थोड़ा सा पहले ओवरव्यू समझिए इन चीजों का कि ये कब स्टार्ट हो रही है। इस पर अभी मैं आता हूं, बेसिक बात समझते हैं पहले। ऑफेंस कमिट हुआ, इंफॉर्मेशन लेके आप किधर गए, पुलिस या एसपी के पास। अच्छा, दरोगा जी ने तो सुनी नहीं थाने में, एसपी साहब के पास पहुंच गए, वहां भी कोई रिड्रेसल नहीं मिला। इन दैट केस मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, क्योंकि इधर का खत्म कार्यक्रम, इधर सारे एफर्ट मार लिए हमने, बात नहीं बन रही, तो अब अपन जाएंगे किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास, है ना। एक बार जरा चैट्स भी देख लूं, कुछ और डाउट वाउट तो नहीं है, ठीक है, आंसर्स हैं, ऑल राइट, ठीक है। आप सबने यही कहा था कि अगर दरोगा जी नहीं सुन रहे हैं थाने में तो एसपी के पास जाएंगे, और उधर भी बात नहीं बनी तो मैजिस्ट्रेट। अब यहां आप थोड़ा सा कंपैरिजन समझिए सीआरपीसी का और बीएनएसएस का। आप सीआरपीसी में एफआईआर का प्रोविजन था 154, वो कहता था कि आप पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जाइए, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वहां पे आप बताइए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटना हुई है, और वो क्या करेंगे इस पे, आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे, विच विल एक्ट एज एन एफआईआर, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वहां पे बात नहीं बनती है, तो वो बताता था कि भैया आप एसपी के पास चले जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां भी बात नहीं बनी तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये बात एक्सप्रेसली लिखी नहीं थी पुराने सीआरपीसी। अगर आपने, मैंने इसलिए आपसे थोड़ा सा पूछा था कि क्या आप में से किसी ने सीआरपीसी पढ़ा है, तो आप मुझे ये बताइए क्या सीआरपीसी में ये बात एक्सप्रेसली लिखी थी कि ये तो लिखा था कि आप एसपी के पास गए, सॉरी दरोगा जी के पास गए, उनने नहीं सुना तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां बात नहीं बनी तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ये बात क्या एक्सप्रेसली लिखी थी सीआरपीसी के प्रोविजन में कहीं, 154 में कहीं, कहीं नहीं लिखी थी ये बात। जरा बेरक में निकालिए 173 BNSS 173, जो सिमिलर है सीआरपीसी के 154 से। इधर पे मैं आपको वो चेंज बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा, सो दैट यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि कैसे वो अपन कंपैरेटिव चीज समझेंगे। इधर देखिए, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 173 इसकी बात करता हूं, पढ़ना नहीं है पूरा, मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो समझना है। तो इसमें पूरी कहानी यही लिखी है कि आप जाके या तो ओरली दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन दरोगा जी को, बात क्या चल रही है, ऑफेंस कमिट हो गया है, हमको स्टेट को इन्फॉर्म करना है, सरकार को, कि भैया ये हो गया, ताकि सरकार प्रोसिक्यूशन करवाए। उधर कौन करता है प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, इसलिए क्रिमिनल केस में कौन होता है, सरकारी वकील। आपको वकील के पैसे नहीं खर्चने, उसमें विक्टिम को सरकार करवाएगी, न्याय दिलाने का काम किसका है, सरकार का है, ठीक।
तो आप इंफॉर्मेशन लेके गए, यहाँ पे 173 आपका कहता है ओरली दी है तो वो राइटिंग में लिखे के साइन वाइन कराएंगे, या रिटर्न में दे दी है तो भी बढ़िया है। अब एक चीज और ऐड हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आप दे सकते हैं। 173 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात करता है, फोन कर दो वो भी चलेगा, ठीक। लेकिन उसके बाद कुछ समय में आपके सिग्नेचर कराए जाने, 3 दिन के अंदर आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अब हो सकता है, ये एक चेंज है, और ये तो लगभग हर जगह, ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है। मैं जो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताना चाह रहा हूं, जो कुछ उस तरीके के चेंजेस हैं, थोड़े ज्यादा टेक्निकल, उस पर अपन आते हैं। तो अब देखिए, पुराने वाले सीआरपीसी में ना ये बात अलग से लिखी नहीं थी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे इनकेस एसपी ने आपको नहीं किया। अक्षय कह रहा है लिखा था मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर 156। बेटा अक्षय, मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हो सीआरपीसी के 156 सबसेक्शन 3 की। वो पावर जरूर देता था मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है वो किसी भी केस में, ये जरूर कहता है। लेकिन ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा था कि अगर आपकी यहां नहीं सुनी गई तो आप वहां चले जाइए मजिस्ट्रेट के पास। इस बात को एक्सप्रेसली यहां ऐड किया गया है 173 में। कैसे, देखिए, ये तो आपको बता दिया कि आप पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जाइए, वो आपकी जो बात है उसको सुनेंगे और वहां पे रिकॉर्ड वो करा जाएगा, ठीक है। वो नहीं होता है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर कि ठीक है वो नहीं हो पाया तो आप वहां जाएंगे। इसके बाद 173 का सबसेक्शन 4 देखिए जरा, 173 का सबसेक्शन 4 इसकी लास्ट लाइन देखिए जरा। चलिए 4 में थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, अगर आपको दरोगा जी ने मना कर दिया है, एंड सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न who if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him। SP ko likhenge, wo investigation order karenge, lekin aage likha hai in the manner provided by this sentence and such officer shall have the powers of an investigation officer in charge of the police station in relation to that offence। fir aage ye jo baat hai ye nahi add hui hai, ye 154 mein aapko nahi milegi। Failing which, such aggrieved person may make an application to the magistrate। ये sentence आप 154 से compare करना, this was not there। ये बात expressly नहीं थी पिछले वाले CRPC। ये अब add करी गई है। बहुत clearly ये बात लिख दी गई है कि आप दरोगा जी के पास गए information लेके, इनने नहीं सुना, SP को बोला, वहां भी नहीं हुआ। Failing to that, आप किधर चले जाएंगे? आप आ जाइए मैजिस्ट्रेट के पास। ये होता पहले भी था, क्योंकि कंप्लेंट केस का प्रावधान पहले भी था, प्रोसीजर पहले भी था, बट इस बात को इतना एक्सप्रेसली यहां पे मेंशन अब किया गया है जो पहले नहीं था। ऐसे कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं इधर, तो हमें वो वहां पे दोनों चीज देखना है कि पुराना क्या था और नया क्या है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, यस। अब देखिए, आप ऑफेंस कमिट हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि केस हो पाए, चल पाए उस पर। आप पुलिस के पास गए या मैजिस्ट्रेट के पास गए, दोनों में से कहीं एक जगह आप जाएंगे, मैजिस्ट्रेट वाले को थोड़ी देर बाद डील करते हैं कि इधर क्या कहानी होगी। पुलिस के पास अगर आप एक ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, अब यहां पे भी दो चीजें हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप लेके गए हैं जिस ऑफेंस के कमीशन की, वो ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल होगा और या फिर वो क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल। क्या होता है भाई कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। नॉन कॉग्निजेबल में ना तो वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के और ना खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल के केस में ये क्या करते हैं, ये उठा के केस, नॉन कॉग्निजेबल के केस में ये इंफॉर्मेंट को भेज देते हैं सीधा किधर, अरे
भेज देते हैं इधर मैजिस्ट्रेट, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल जनरली वो होते हैं जो थोड़े कम सीरियस होते हैं, लेस सीरियस ऑफेंसेस। अब कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है कौन सा नहीं, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, प्रोबेबली कल हम इस पे भी आएंगे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। पहले इसका डिफरेंस इतना ही नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल और नॉन। अब उसमें सिर्फ इतना मत लिखा ना कि इधर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं, इधर नहीं करते, उधर इन्वेस्टिगेशन बिना, पर इतने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर आंसर होता है इसका, उसकी बात अपन करेंगे अभी आगे, इस पे अपन अलग से आएंगे, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अभी इतना ही समझिए जो आप जानते भी हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल के केस में उस इंफॉर्मेशन को अलग से एक रजिस्टर रखा जाता है, उसमें लिख दिया जाता है, एनसीआर कहते हैं उसको प्रैक्टिस में, उसमें लिख के इन्फॉर्मेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भैया तुम देखो क्या करना है। पुलिस को ज्यादा अथॉरिटी नहीं दी, क्योंकि पुलिस तीन पांच करती है, छोटा मोटा मैटर है उसमें सताएंगे, इसलिए इनको पावर नहीं दिया गया इस केस। इनको किधर मिला है, कॉग्निजेबल में। अब देखिए, अगर आप इंफॉर्मेशन लेके पुलिस के पास गए हैं एंड दैट देयर अराइजेज एन अप्रिहेंशन कि भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, अब ये कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, ये बात तो आपका बीएनएस भी बताता है, वहां भी पूरा एक दिया हुआ है हर ऑफेंस के बाद कि भैया कौन सा कॉग्निजेबल कौन सा नहीं, और इधर पे भी मिल जाएगा आपको। वो कैटेगराइजेशन प्रॉपर ऑफेंस के साथ कर दिया गया, पूरी लिस्ट दी हुई है, ऑफेंस के नाम के आगे लिखा हुआ है वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल, ठीक। ये चीज लेजिस्लेचर करके देती है स्पेसिफाई। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन लेके पहुंचे कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की, किसके पास, पुलिस के पास, अब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने का भी, अभी अरेस्ट की कहानी अलग समझेंगे, और इनके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का भी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अपने सपोर्ट में एविडेंस जुटाएगी पुलिस कन्विक्ट कराने के लिए अक्यूज्ड को, ठीक। तो उस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर सकती है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी हमने जो पढ़ा था 173 इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके बाद 175 देखिए जरा हेड नोट उसका, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस को ये बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक। शिवांगी का एक सवाल है सर, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154(3) ऑफ सीआरपीसी दैट ऑन रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ इन्फो मे सेंड द इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट टू पुलिस। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल मेंशन था उधर कि पुलिस एसपी के पास आप दे सकते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट मजिस्ट्रेट, यहां सेपरेटली मजिस्ट्रेट के लिए लिख दिया एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को, ये बात नहीं थी, वहां एसपी का तो बिल्कुल था। अब देखिए, ये जो कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन की बात यहां चल रही है, आप इंफॉर्मेशन लेके पहुंच गए और उनके पास अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आप कर लेंगे बिना परमिशन के, परमिशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन आई है, इस बात का इंटीमेशन इस मजिस्ट्रेट को जरूर जाएगा। आपको ये बात बतानी है कि कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, और ये भी बताना है कि इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना या नहीं करना ये पुलिस के ऊपर है। ये सारी बातें आपको यहां मिलेगी, ये सारी बातें यहां अभी अपन पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं। तो इन्वेस्टिगेशन करना या नहीं करना ये पुलिस के ऊपर है, इसीलिए तो पुलिस खेल कर देती है इधर, वो डिसिसिव हो जाती, मतलब वो ये हो जाती है कि जहां से पैसे आ गए वहां नहीं करना है, से नहीं आए वहां कर देना है, या चाचा विधायक है तो नहीं करना है, नहीं है तो करना है, ये हो जाता है गेम इधर पे। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में बहुत डिस्क्रिप्शन हैं किसके, पुलिस के। अब यहां पे चेक पहले से ही था सीआरपीसी में भी, क्या चेक है यहां पे कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की, तो जो एफआईआर है वो जनरली तीन कॉपीज में लिखी जाती है, एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को मिलेगी, एक थाने के पास रहेगी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उसी को कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। क्या कहते हैं उसको, अकरेंस रिपोर्ट, कि भैया एक
कॉग्निजेबल ऑफेंस अकर हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आई है, इस बात का इंटिमेशन किसको देना है? आपको मैजिस्ट्रेट को इस बात का इंटिमेशन देना है। ये बात आपको मिलेगी 176 में, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो। सीआरपीसी इतने टाइम से पढ़ के पेपर पास कर लिया, तब नहीं पढ़ा था, अभी रुक जाओ आप थोड़ी देर, दो दिन और रुक जाओ फिर आ रहे हैं। बिना पढ़े एग्जाम पास कर लिया था, अभी पढ़ना है, अभी मत पढ़ो। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, इधर लिखा है वो भी बता रहा हूँ। ये अश्योरेंस आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसको मैं कहां से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इधर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि आपको इस बात का इंटीमेशन मजिस्ट्रेट जो वहां पे कॉग्निजेबल लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, जो वहां ट्रायल करेगा या इंक्वायरी करेगा, उस मजिस्ट्रेट को आपको बताना जरूर है। ठीक है, आप अपने से इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना। ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किसका डिस्क्रिशन होता है? पुलिस का। लेकिन कुछ चेक्स हैं इस पे, वो चेक्स कैसे हैं उनको समझिए। देखिए, सबसे पहला चेक तो यही हो गया कि कॉग्निजेबल की इन्फॉर्मेशन आई है, आप अकरेंस रिपोर्ट भेज दीजिए। इन्वेस्टिगेशन करना नहीं करना, उसी में एक एंडोर्समेंट अटैच करेंगे, एफआईआर की कॉपी में एक एंडोर्समेंट होगा, वहां आप लिखेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात लिख के अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास, ताकि यहां अगर आप कुछ तीन पांच कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट हैव एन आई ओवर यू, क्योंकि मजिस्ट्रेट अलग डिपार्टमेंट का खिलाड़ी है। नहीं, ये एक ही होगा ना, पुलिस एसपी तो एक ही है, ये अलग व्यक्ति है, ये लॉ पढ़ के आया है। हाँ, और क्या, ये दरोगा जी थोड़ी पढ़ा। मुश्किल हो रही है अभी, उनने सीआरपीसी नहीं पढ़ा था, बीएनएसएस पढ़ाना पड़ा, समझ ही नहीं। लेकिन ये अलग पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना भाई, ये लॉ ग्रेजुएट है, इसने बिना पढ़े एग्जाम निकाला सीआरपीसी का, आप लोगों की तरह नहीं, बिना सीआरपीसी पढ़े पेपर निकाल दिया है। 70% भी है इसके, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर भी क्लियर कर रखा है, और प्री मेंस इंटरव्यू भी निकाल रखा है। इतने चेक्स हैं इस व्यक्ति के ऊपर, आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू। मेरिटोरियस स्टूडेंट ढूंढ के लाए, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट है। तो भाई ये व्यक्ति आया है, इसको आपने बता दिया, तो इसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ही हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई है उसको गायब ना कर दे पुलिस वाले। इसलिए अकरेंस रिपोर्ट में आप ये भी लिखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे कि नहीं कर रहे। देखिए, अगर अकरेंस रिपोर्ट में आपने लिखा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देन मजिस्ट्रेट हैज नो पावर, लेट द पुलिस डू देयर इन्वेस्टिगेशन, उसकी कहानी ही बताता हूं। लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पुलिस मना कर दे, पुलिस कहे कि रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं लग रहा, हमें नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, खत्म। कर सकती है पुलिस, कैन डू दैट, लेकिन एंडोर्समेंट में लिख के बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को, ये लिख के देना पड़ेगा, और जहां लिख के देना पड़ता है दिक्कत हो जाती है। जैसे आपसे कुछ पूछो तो आप भरपूर बकवास कर लेते हैं, भाई मैं कहता हूँ मेंस का आंसर लिख के दिखाओ तो खत्म। तो लिखने में कार्यक्रम गड़बड़ जाता है। तो लिख के अगर आपने मजिस्ट्रेट को दिया है एंडोर्समेंट में कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, अब मजिस्ट्रेट के पास पावर्स। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो वो भी यहां लिखा है कि वो बात आपको इन्फॉर्मेंट को भी बताना है, जो एफआईआर लेके आया था, जिसने बताया विक्टिम, उसको भी आप बताएंगे कि आप नहीं कर रहे हैं, और इधर भी बताएंगे आप नहीं कर रहे। अब यहां वो जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आया था, इस आशा से आया था पुलिस के पास कि भैया ये कुछ करेंगे इस केस में, उन्होंने लेके दे दिया, हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें केस रिलायबल लग नहीं रहा, हमें नहीं लग रहा कि जरूरत है इन्वेस्टिगेशन। पर जी है, ऐसे केस में उस इन्फॉर्मेंट के पास एक ऑप्शन है, क्या? मजिस्ट्रेट। सारे जो इधर काला पीला चल रहा है उस पर पूरा चेक कौन रखेगा, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट है ना ये, 70% दरोगा जी, थोड़े ही 70% इनका है, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। इधर ये जो इन्फॉर्मेंट होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देती है कॉग्निजेबल केस में, और व्यक्ति एप्लीकेशन लेके मजिस्ट्रेट के पास जाता है, इसके लिए भी एक टर्म होता है, बता सकते हैं? सीआरपीसी में था ये, मतलब एक्सप्रेसली नहीं लिखा था, प्रैक्टिस में होता है, क्वेश्चन आता प्रीमेंस, एक पेटिशन बोलते हैं इसको। पुलिस जहां इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देती है, वहां मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट से कहते हैं, साहब आप देखो केस में जरा, क्योंकि 156 सीआरपीसी का 156 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के पास पावर था इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का। पुलिस नहीं कर रही है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, करो,
करेक्ट चार्वी, दैट्स करेक्ट बेटा. आशीष, स्मृति, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. दैट्स कॉल्ड प्रोटेस्ट पिटिशन. इसी को कहते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन. प्रोटेस्ट मतलब समझते हैं, ये सड़क पे गाड़ी जला देते हैं, यही तो था मतलब विरोध एक तरीके से. तो यहाँ पे वो किस बात का विरोध कर रहा है? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ना करने का, कि भैया हमने तो क्लोज फाइल बंद कर दी, जबकि हमें लग रहा है कि सब्सटेंस है केस में, लेकिन पुलिस वालों ने तो फाइल बंद कर दी. तो आप प्रोटेस्ट पिटिशन लेके जाते हैं किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास. और अब तो यहाँ क्लियरली लिख दिया कि आप एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं. अब देखिए, और अकरेंस रिपोर्ट के थ्रू भी मजिस्ट्रेट के पास जानकारी है कि आया. अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास अपना पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी कर सकता है, वो खुद इंक्वायरी भी कर सकता है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रावधान है इधर पे, और वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. 178 देखिए जरा, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. इसमें क्या लिखा है? द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 में डायरेक्ट, 176 में कौन सी रिपोर्ट आ रही है? अकरेंस रिपोर्ट. में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, वो डायरेक्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन, और इफ इट थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस संहिता. तो जहां पुलिस ने यह लिख दिया कि हम तो नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, हमें नहीं लग रहा कुछ, वहां मजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन है. क्या क्या तीन ऑप्शन? पहला तो ये कि हो सकता है मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाइड हो इस बात से, अरे पुलिस हमेशा ही खराब थोड़ी है, आपने तो एकदम उसको वही कर दिया कि पुलिस वाले झूठी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया. ये हो सकता है वाकई केस में सब्सटेंस नहीं है, मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि भैया नहीं है जरूरत इसमें, तो या तो वो ये करेगा, इसलिए लिखा है अदरवाइज. जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना इसमें, इसका मतलब ही है ये, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस. तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करनी, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं. अदरवाइज डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब है? खत्म. क्योंकि भाई पुलिस को अगर नहीं लग रहा तो हो सकता सही कर रही है पुलिस, आपने तो ऐसा कर दिया कि वो झूठी बोलता है, ऐसा नहीं है. एक तो ये ऑप्शन है, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे, पुलिस को बोले नहीं करो इन्वेस्टिगेशन, ये भी कर सकती है, और या फिर खुद इंक्वायरी करे या किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराए. क्योंकि जब मजिस्ट्रेट ये काम करेगा जो पुलिस कर रही थी, उसको हम इंक्वायरी कह देते हैं. इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, व्हेन द मैटर इज लुक्ड इनटू बाय द मजिस्ट्रेट इट इज कॉल्ड इंक्वायरी. आई होप दैट्स क्लियर. तो भाई देखिए, कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन आई तो अकरेंस रिपोर्ट भेजी, और आपने ये भी बता दिया कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके मेजर्स क्या हैं वो आप समझ गए. अब मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है पुलिस के पास, एंड द पुलिस डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट द केस, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है. नाउ व्हाट विल दे डू? अगर इन अभी भी आगे भी चेक्स हैं इनके ऊपर, ऐसा ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं करेगा, बट देर आर चेक्स. तो भाई देखिए, अब इनके पास जब इंफॉर्मेशन आ गई है, अब ये क्या करेंगे? अरेस्ट कर लेंगे. अभी कर सकते हैं अरेस्ट, नहीं सस्पेंशन पे भी करते हैं, ये तो बहुत जगह अरेस्ट करते हैं अभी. इसलिए अरेस्ट की कहानी में थोड़ा सा अलग डील करूंगा, क्योंकि वो एक अलग साइमल्टेनियस प्रोसेस है. इन सब के साथ ही एक अरेस्ट वो कभी भी उठा ले जा सकते हैं. बहुत वाइड पावर्स हैं अरेस्ट के भी, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भी अरेस्ट होता है. सीआरपीसी ने दिया, प्रिवेंट करने के लिए भी अरेस्ट कर सकते हैं. ऑफेंस अभी हुआ ही नहीं है, पहले ही अरेस्ट कर लिया, ये भी हो सकता है. तो इस पूरे प्रोसेस के साइमल्टेनियस एक अरेस्ट की प्रोसेस चलेगी, उसकी बात अपन अलग से करेंगे, अभी नहीं करते. इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या करेंगे ये? ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने लिख ली, अब आप क्या करेंगे? सस्पेक्ट ढूंढेंगे, लोगों से बात करेंगे, विटनेस से बात करेंगे, जो जान आपको लगता है इस मैटर के बारे में, जिसके पास जानकारी उसके पास जाएंगे, उसको खुद के पास बुलाएंगे. तो ये क्या करते हैं, ये अटेंडेंस रिक्वायर कराते हैं. किसकी अटेंडेंस रिक्वायर कराते हैं? लोगों की, विटनेसेस की. अटेंडेंस रिक्वायर मतलब थाने बुलाएंगे, आइए पूछताछ करनी है आपसे, ये करेगी पुलिस, ऐसी तो इन्वेस्टिगेशन होगा भाई. एफआईआर हो गई है, अब उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. इसके रिगार्डिंग भी कार्यक्रम है इधर, ये जो पूरा चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है. जहां से 173 चालू हो रहा है, चैप्टर का नाम देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन टू दी पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही और उसके पावर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड. अब देखिए, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, वो सब अपन ने 178 देखा, उसके बाद जरा 179 पे नजर मारिए. पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस.
बुला लेंगे, उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को कोई जानकारी होगी। मान लीजिए सड़क पे मर्डर हो गया, यहाँ अभी अभी मान लीजिए सामने मर्डर हो गया, तो हम में से किसी को बुला लेंगे कि भाई क्या है, तुम बताओ क्या तुम थे वहां, या इधर क्लास में किसी ने किसी को गोली मार दी तो हमें बुलाया जा सकता है कि भाई आप बताइए। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हो जाएगा, जो रिकॉर्ड हो रही क्लास लाइव चल रही है, लाइव वालों को भी बुला सकते हैं। हाँ तुम भी देख रहे थे। तो अब अटेंडेंस रिक्वायर कराने से रिलेटेड प्रोविजन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको पहली चीज सबसे पहले याद हो कि वो जो बीएनएसएस है वो क्या कर रहा है, सोसाइटी का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों के बीच क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो किसी को भी बुला लोगे क्या थाने? भाई दोनों प्रोटेक्ट करना है ना, हमें कन्विक्शन भी कराना है जिसने गोली मारी है उसका, लेकिन हमें जनता को सताना भी नहीं है। इसलिए ये प्रोविजंस लिखे गए हैं, किसकी अटेंडेंस रिक्वायर कराएंगे किसकी नहीं कराएंगे। वहां पे एग्जेम्पशन है क्लियरली 179 में, प्रोविजो देखिए 179 सबसेक्शन 1 के बाद जरा, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स और अबव द एज ऑफ 60 इयर्स और अ वुमेन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, नई चीज ऐड हुई अंडरलाइन कर लीजिए, और अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था ये 160 जो सीआरपीसी का था उसमें नहीं था एक्यूट इलनेस, ये नया ऐड हुआ है अभी अभी ऐड हुआ है। देखिए यहां प्रोविजन में लिखा है 179 में कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो लोगों को बुला सकता है, आसपास के लोगों को इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसको नहीं बुलाएगा थाने? वुमेन को नहीं, वुमेन को नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंस किसके बीच, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट। तो भैया वुमेन को थाने नहीं बुलाना है, अगर आपको पूछताछ करनी आप जाइए उनके पास, ऐसा नहीं कि पूछताछ नहीं करेंगे, आप जाइए उनके पास, बुलाना नहीं है। अटेंडेंस रिक्वायर आप थाने में नहीं कराएंगे उनकी, वुमेन की नहीं कराएंगे, मेल 15 साल से कम और 60 के ऊपर और 15 से कम मेल, 15 साल तक का मेल या फिर 60 के ऊपर, इसके बीच वाले इनको उठा के ले जाएंगे। एक तो मेल, भारत में आप मेल हैं और अगर आपकी उम्र 15 से 60 के बीच है तो मेरी बहुत सारी सांत्वना आपके साथ है, पूरे तहे दिल से मैं आपकी हर इमोशन को समझता हूं। तो वुमेन को एग्जेम्पशन दे दिया आपने, 15 साल तक के मेल को दे दिया और 60 के ऊपर दे दिया, लेकिन अब ये जो एक्यूट इलनेस हो गया ना, एक्यूट इलनेस मतलब एक्यूट इलनेस, अरे अंग्रेजी क्या होता है एक्यूट इलनेस, दो तरीके की इलनेस होती है, एक्यूट मतलब जिसमें सिम्टम्स एविडेंट होते हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड, फीवर, ये सब। एक तो अंदरूनी बीमारियां होती पता नहीं चल रहा, मतलब कोई उसके एविडेंट सिम्टम्स नहीं है फिजिकल, एक्यूट इलनेस मतलब बेसिकली ये सब। तो इस तरीके की चीजें क्योंकि कम्युनिकेबल है तो इसीलिए ऐसे केसेस में भी एग्जेम्पशन मिलेगा आप। ये पहले नहीं था सीआरपीसी, ये अभी ऐड हुआ है नए वाले बीएनएसएस। तो एक्यूट इलनेस में भी आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। सो दैट्स एक्यूट इलनेस, इसमें भी एग्जेम्पशन अब मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो भाई देखिए अटेंडेंस रिक्वायर आपको कराना है, लेकिन वो भी सीआरपीसी उसको भी गवर्न कर रहा है कि किसकी कराना किसकी नहीं कराना कैसे करना है, ये सारी बातें। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सबसेक्शन दिया है 2 जो पहले भी था सीआरपीसी में, उसको देखिए जरा। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। उसके घर के अलावा पुलिस वाला अगर उसको कहीं बुला रहा है, थाने वाने बुला रहा है, तो रीजनेबल एक्सपेंस पे करेगा कौन? पुलिस ऑफिसर, ऐसा लिखा है, ऐसा पहले भी लिखा था और आज भी लिखा है, ना पहले होता था ना अब होगा। मांग के देख लेना, कभी आपको बुलाएं दरोगा जी कि ना वो तेल के पैसे तो दे दो, तो पेट्रोल जल गया आधा लीटर, तो 500 का दरोगा जी रखवा लेंगे, कहेंगे मेरा नहीं चला, लो 500 दो, है ना। अब ये तो थ्योरी है, क्यों इसलिए लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल अलग होता है, इतना ही अलग होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने जाएंगे तो सब गवर्न इधर से ही होगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना।
सो देखिए, अब अटेंडेंस रिक्वायर आप कराएंगे क्योंकि कॉग्निजेबल केस की इन्फॉर्मेशन आई है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, आप अटेंडेंस रिक्वायर कराएंगे, उस पर भी सीआरपीसी गवर्न कर रहा है उसे भी कि किसकी करा सकते किसकी नहीं करा सकते, वो सारा मैटर ठीक। उसके बाद आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, भाई इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं आप अपने पास या उनके पास क्यों जा रहे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो इन लोगों के स्टेटमेंट्स होंगे, इन स्टेटमेंट्स की एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, कब यूज होंगे कब नहीं होंगे, ये सारी बातें भी अगले सेक्शन में है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, देखिए 180 में एग्जामिनेशन, और उसको आप रिकॉर्ड करते हैं पूरा जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद 181 में देखिए स्टेटमेंट ऑफ पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, कि उस स्टेटमेंट का क्या क्या इस्तेमाल होगा, जो आप पुलिस को देते हैं उस स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल है, पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट को क्या कोर्ट कंसिडर करता है एज एन एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल, नहीं, कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है, पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट की कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है कोर्ट में, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस हैं अंदर, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस बट जनरली उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पुलिस वाले लफाड़े मार के कुछ भी बुलवा लेते हैं, इसलिए वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना क्रेडिबिलिटी पे बड़ा, सीआरपीसी या बीएनएसएस आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे बड़ी शंका है सब जगह, इसलिए इतने चेक्स है ना इनके ऊपर, क्योंकि हम मुंह कम चलाते हैं हाथ ज्यादा चलाते हैं इसीलिए दिक्कत है इनसे थोड़ी, इसलिए इतने चेक और ये सारी चीजें यहां पे रखी हुई ठीक। तो उसका क्या यूज होना है क्या नहीं होना वो सब लिमिट कर दिया, क्योंकि वो तो कुछ भी बोलवा देंगे, आपने कुछ नहीं किया तो भी आप सब बोलोगे उनके सामने, यहाँ लिख के दे दे साइन भी कर दे रहा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, स्टेटमेंट लिख के साइन कर दिया उसकी कोई वैल्यू, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी अब तो, क्योंकि अब टेक आ गया इसमें, तब भी एविडेंशरी वैल्यू नहीं है जनरली ठीक। तो देखिए आप इनके स्टेटमेंट रखें, इसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन जब चालू होता है ना तो पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस केस का उसको एक डायरी मेंटेन करनी होती है, उसमें वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स लिखता है कि इस पर्टिकुलर केस में उसने क्या किया, आज किसी विटनेस से बात करी तो वो उसने क्या बोला उसको भी लिखेगा, इस तरीके से पूरी एक डायरी मेंटेन होती है, क्योंकि जब ट्रायल होगी ना जज साहब के सामने तो पुलिस वाले से वो डायरी बुलवा सकते, लाओ जरा क्या किया देखें इस केस में तुमने, अभी तो तुम बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है, कि उसको तुमने एकदम जान ले ली उसकी, आपने जो पूरी प्रोसीडिंग करी है वो भी लिखित होती है, उसको हम क्या कहते हैं पुलिस डायरी या केस डायरी कहते हैं उसे। तो ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं डे टू डे प्रोसीडिंग्स, जगह पे गए विजिट किया वहां पे क्या देखा किसी से बात करी उसने क्या बताया, ये सब आप इधर पे लिखते हैं, जिसको अपन कहते हैं पुलिस डायरी या केस डायरी कहते हैं इसको। ये भी इधर पे मिल जाएगा आपको, देखिए जरा प्रोविजन में इसके बारे में भी प्रावधान है 192 देखिए, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन, इसी कहते हैं पुलिस डायरी या केस डायरी 192। नहीं अंकिता, अंकिता कह रही है 173 पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी, नहीं बेटा रिपोर्ट अलग है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बनेगी, पुलिस रिपोर्ट अलग है, ये केस डायरी है, डेली की प्रोसीडिंग आपको लिखनी होती है, पेज नंबर होते हैं इसमें ताकि बीच में पता चला क्या होता है, ये हमेशा इसके भी अपने रूल्स हैं, आप देखिए पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे हमेशा शंका है, तो ये पुलिस डायरी के नॉर्म्स हैं कि इट शुड ऑलवेज बी पेजिनेटेड, पेज नंबर होंगे उस पे, पर्पस पता है इसका क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय आपने लिखी बातें दो पन्ने में, आपने मेरे बारे में भी लिख दिया उस केस में कि मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, जब मुझे पता चला कि अरे ऐसा कार्यक्रम है, अपन ने ले जाकर गड्डी रख दी दरवाजे के पास और दरवाजे से कहा आप देखो कुछ, उनने दो पन्ने फाड़ दिए वो वाले डायरी में से, अपन फ्री, तो जब ये डायरी जज साहब के पास जाएगी वो देख लेंगे दो पन्ने गायब है, किससे ले लिए और कितने आधे इधर पहुंचाओ है कि नहीं, पूरा तुम ही निपटोगे क्या, आधे हमने मेरिटोरियस लॉ स्टूडेंट 70% प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम के लिए, वो गरीब कुछ नहीं मिल रहा उसको, सू की सैलरी ले रहा हो इतना मेरिटोरियस होके दरोगा जी दौड़ लगा के एसयूवी में घूम रहा है और यहाँ वैगनार आ रही मुश्किल से, मेरिटोरियस स्टूडेंट है कि नहीं। तो ये जो डायरी अब देखिए आप बात समझिए सारी, यहाँ पे ये पूरे प्रोसीजर में चेक्स देखिए,
ये सब क्यों हो रहा है, ताकि चीजें प्रोसीजर जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बात बताई है कि आपको हमेशा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट दोनों के करने, किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, वो ऐसे तो इंश्योर होगा कि भाई एक्चुअल बंदे का ही कन्विक्शन होना चाहिए, किसी और का नहीं हो जाना चाहिए केस में, ये सब बातें ऐसी तो इंश्योर होंगी। दैट्स हाउ द लॉ इज फ्रेम्ड, इसलिए इस तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक, तो ये पूरी एक पुलिस डायरी यहाँ पे मेंटेन होगी, ये सब अपन पढ़ेंगे, ये सब मेंस के सवाल हैं, ये जो मैं इसे छोटे छोटा लिखते जा रहा हूं, आज अपन सिर्फ माहौल बना रहे हैं, इसलिए अभी एक एक क्लास है इन पे, पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट पे एक क्लास है, मेंस का सेपरेट क्वेश्चन है, पुलिस डायरी सेपरेट मेंस का क्वेश्चन है आपके जुडिशरी एग्जाम में, तभी तो मेरिटोरियस स्टूडेंट यहां पहुंचेंगे, नहीं तो कहां से पहुंच पाएंगे, सेमेस्टर तो हो ही गया, क्योंकि इधर पहुंचने के लिए इस पे एक एक इंडिविजुअल क्लास होगी पूरी, मेंस के क्वेश्चन है ये सबके सब, इनकी एविडेंशरी वैल्यू क्या इंपॉर्टेंस सब कुछ आएगा इसमें, तो इस पे सेपरेट सेपरेट टॉपिक अपन एक एक करके डील करने वाले हैं इनमें सारी चीजों पे। तो देखिए, पुलिस डायरी बनाई इन्होंने, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन एंड किधर होगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका एक लॉजिकल एंड होगा, अभी बाद में फिर और होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी एक लॉजिकल एंड चाहिए। तो भाई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया पूरा, उसके बाद जब इनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, ये एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो फॉरवर्ड करते हैं किसको, मैजिस्ट्रेट को, उसको अपन कहते हैं क्या, पुलिस रिपोर्ट, उसको अपन कहते हैं क्या, पुलिस रिपोर्ट। देखिए जरा 193 क्या कह रहा है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे एक रिपोर्ट बना के देनी है, इसी को कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, जो पहले 173 में हुआ करती थी सीआरपीसी के, अब इधर आ गया है ये। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अभी हो सकती है, वो सब अपन अभी एक एक करके बेरेक्ट वाइज, और जैसा मैंने आपको बताया कि इन डेप्थ भी अपन सारी चीजें ये डील करने वाले हैं, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अब देखिए, ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये बेसिकली दो तरीके की होगी। देखिए भाई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया एक केस में, एंड में जब वो कंक्लूड करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन को, तो वो इन दो में से किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो अक्यूज्ड व्यक्ति है वो गिल्टी है उनके हिसाब से, उसके खिलाफ सफिशियंट एविडेंसेस है उनके पास, या तो उनके पास एविडेंसेस नहीं है और पुलिस के हिसाब से वो व्यक्ति दोषी नहीं है। दो में से कोई एक ही कंक्लूजन होगा ना। जहां पुलिस को ये लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो दोषी है, गिल्टी है, उसके खिलाफ हमारे पास सफिशियंट एविडेंसेस हैं, कोर्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, ऐसे केस में वो रिपोर्ट कौन सी फाइल करेंगे। दो तरीके की होती है रिपोर्ट, एक होती है आपकी चार्जशीट, एक क्या होती है, चार्जशीट, जहां उन्हें लगता है सफिशियंट एविडेंस होते हैं उनके पास कि हाँ भाई ये गिल्टी है व्यक्ति, वहां वो क्या फाइल कर देते हैं, चार्जशीट। अब देखिए, स्टेट वाइज अलग अलग टर्म इसके लिए यूज होते हैं, सीआरपीसी ऐसा कोई टर्म यूज नहीं करता, ये तो सिर्फ रिपोर्ट की बात करता है, इधर 173 में भी सीआरपीसी और बीएनएसएस भी बस, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो अपने हिसाब से रेगुलेशन वहां बनते। तो ये जो चार्जशीट है ये फाइल होगी कब, जब पुलिस के पास सफिशियंट एविडेंस है अगेंस्ट द अक्यूज। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि उन्हें सफिशियंट एविडेंस नहीं मिले, उन्हें नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति दोषी है, उस केस में वो क्या फाइल करेंगे, उसको कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। क्या कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि भैया नहीं है एविडेंस और ये व्यक्ति दोषी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब ये क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट किसके पास गई, मैजिस्ट्रेट के पास गई। यस, नाउ द मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। चार्जशीट गई है तो प्रोसीड करेगा उसे जेन्युइनली, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें लग रहा है। क्लोजर रिपोर्ट आई है तो क्लोजर रिपोर्ट आई है तो अभी मजिस्ट्रेट का अपना डिस्क्रिशन है भैया, क्लोजर रिपोर्ट तो पुलिस का ओपिनियन है ना, और ये पुलिस वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट थोड़ी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर के लिए 70% वो कौन है, मजिस्ट्रेट।
तो अगर क्लोजर रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर वो उसको कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, खुद टेक ओवर कर सकते हैं। वो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं, कंप्लेंट केस इस बीच में अभी लाया नहीं हूं। ये ऑप्शन है इधर। जो इन्फॉर्मेंट था उसको अगर लगता है कि पुलिस ने बीच में गोलमाल कर दिया, भैया इन्होंने पैसे ऐसे खा लिए और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, वो भी चला जाएगा कहां? मजिस्ट्रेट के पास। जैसे उधर बताया था ना प्रोटेस्ट पिटीशन, चले जाइए मजिस्ट्रेट के पास सीधे आप। ये कार्यक्रम यहां भी हो सकता है। ठीक, एक सिनेरियो तो ये होगा कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दे तो मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन और केस क्लोज हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए चार्जशीट फाइल हुई है और आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे चार्जशीट के बाद। अब ये जो चार्जशीट आई है किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट यहां पे दिमाग लगाएंगे और इसके बाद क्या होगा? कॉग्निजेंस। इसके बाद क्या होता है? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। कॉग्निजेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई मैटर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के जुडिशियल नोटिस में, मजिस्ट्रेट के जुडिशियल नॉलेज में आए या नोटिस में आए, उस तक पहुंचे वो मैटर, उसको कॉग्निजेंस कहते हैं। कॉग्निजेंस लेने का मतलब उसको जानकारी मिल जाए उस पर्टिकुलर मैटर की इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी, एज अ पर्सन नहीं, एज अ मजिस्ट्रेट। उसके पास जब ये इंफॉर्मेशन आती है उसको कहते हैं कॉग्निजेंस या संज्ञान लेना। ये कॉग्निजेंस तीन तरीके से होता है सीआरपीसी। एक तरीका तो ये है कि पुलिस रिपोर्ट आई है, ये जो पुलिस रिपोर्ट आई है इसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहा है? मजिस्ट्रेट। एक तो ये तरीका, ठीक। दूसरा तरीका ये है जो हमने पहले ही पढ़ा था कि यहां बात नहीं बनी तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, उसको क्या कहते हैं? जहां आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं एप्लीकेशन लेके, उसको कहते हैं बेटा कंप्लेंट, और वो हो जाता आपका कंप्लेंट केस, जहां आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। ठीक, कंप्लेंट। पुलिस का कार्यक्रम स्किप मारा आपने और सीधे आप इधर। अब इसका अपना प्रोसीजर है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो ये जो मजिस्ट्रेट है, ये सीआरपीसी में भी ये बात दी गई थी कि तीन तरीके से कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और बीएनएसएस में भी ये बात बताई गई है कि तीन तरीके से कॉग्निजेंस होगा। कैसे कैसे हो सकता है? एक तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस हो सकता है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे चार्जशीट फाइल हुई है तो, या फिर ये जो कंप्लेंट आई है उसके बेसिस पे। जब कंप्लेंट लेके आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते हैं, देखिए भाई एक बात समझिएगा, जब इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन लेके पुलिस के पास पहुंचा है, पुलिस ने इतना पूरा कार्यक्रम किया है, उसके बाद रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को दी है, तो यहां संभावना ऑलरेडी एक चेक हो गया, उस इंफॉर्मेशन पे ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने काम कर लिया है और फिर रिपोर्ट बना के चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास फाइल करी है, तो मजिस्ट्रेट के अपने एफर्ट कम होगा इसमें, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से एक ऑथेंटिकेशन लगा दिया उसको कि भैया इंफॉर्मेशन आई थी और हाँ सही है चार्जशीट बना के फाइल कर रहा है। लेकिन जब इंफॉर्मेंट सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है कंप्लेंट लेके, वहां तो ऐसा कोई चेक नहीं हो पाया ना पुलिस द्वारा, तो वहां मजिस्ट्रेट खुद करता है, ओथ पे एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को, और साथ अगर कोई विटनेस है तो उनको, इनका ओथ पे एग्जामिनेशन होगा। ये पूरा प्रोसीजर अलग चलेगा, और ये पूरा प्रोसीजर इस चैप्टर में है जो अभी अपन जिसके सेक्शंस डील कर रहे हैं, कि पुलिस के पास आप पहुंचे तो ऐसे यहां तक जाएंगे अपन, चार्जशीट तक आके फिर मजिस्ट्रेट के पास मैटर पहुंचेगा, और दूसरे केस में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तीसरा एक जो मोड या मेथड है जिसके थ्रू मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, वो है ऑन हिज ओन नॉलेज। भाई मजिस्ट्रेट भी तो है इंसान, मेरिटोरियस लॉ ग्रेजुएट है लेकिन है तो इंसान, तो वो भी चलता फिरता घूमता फिरता है अपने शहर अपने ज्यूरिसडिक्शन में, यस और नो? खुद उसको कहीं से पता चल जाए, वो देखे ऑफेंस कमिट होते हुए, तो उसी के बेसिस पे वो कॉग्निजेंस ले सकता है। इसको कहते हैं कॉग्निजेंस ऑन हिज ओन नॉलेज। तो इन तीन तरीकों से मजिस्ट्रेट तक ये बात पहुंचती है, उसके संज्ञान में ये बात आती है या उसका वो कॉग्निजेंस ले सकता है। जरा एक बार आप कंटेंट ओपन करिए बेयर एक्ट का,
थोड़ा सा ये सब जो अपन बात कर रहे हैं इनमें थोड़ा देखते जाएं कि आपका बीएनएसएस कहाँ कहाँ क्या क्या बातें आपको बता रहा है इससे रिलेटेड। देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो अपनी बात हो गई क्या कि इंफॉर्मेशन आई है और ये इंफॉर्मेशन किसको मिली, पुलिस को मिली। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए चैप्टर 13 सेक्शन 173 ऑनवर्ड्स, चैप्टर का नाम देखिए इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें ये सब आ जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया अटेंडेंस रिक्वायर कराना, स्टेटमेंट की एविडेंशरी वैल्यू, पुलिस डायरी, पुलिस रिपोर्ट, ये सारी कहानी यही है ठीक। और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है किसको, मैजिस्ट्रेट, ये सब इस चैप्टर में मिल जाएगा आपको ये कहानी। जहां सीधे इंफॉर्मेशन किस तक पहुंची है, मैजिस्ट्रेट तक पहुंची है, ऐसे केसेस के लिए आप देखिए कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट चैप्टर 16 सेक्शन 223 ऑनवर्ड्स, सेक्शन 223 देखिए कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट सीधे मजिस्ट्रेट के पास। अब ये जो स्ट्रक्चरिंग आप देख रहे हैं ना चैप्टर की, ये थोड़ी इधर उधर है, इधर उधर मतलब क्योंकि वो इतनी, क्योंकि ये साइमल्टेनियस सी प्रोसेस है, इधर दिस और दैट, तो अब एक साथ तो लिख नहीं सकते, इसलिए इस तरीके की फ्रेमिंग। और इस फ्रेमिंग में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया एज सच, जैसे आईपीसी में तो काफी चेंजेस हैं, ऑफेंसेस की क्लबिंग बदल दी है वो सब, सीआरपीसी में वैसे चेंजेस नहीं है, एविडेंस में भी वैसे चेंजेस नहीं है एज सच ठीक। तो यहाँ पे वैसा कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले कि बेटा प्रोविजन का मतलब तो इधर समझ आएगा लेकिन ये कार्यक्रम किधर और क्यों चल रहा है वो मुश्किल है। तो अभी मेरे ख्याल आपके दिमाग में वो बात बैठ रही है ना, कहां से क्या चल रहा है, या तो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास गए तो ये सारा चैप्टर डील कर लेगा, या सीधे मजिस्ट्रेट के पास गए। तो देखिए 223 में क्या लिखा है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा, क्यों चेक कर रहे ना ऑथेंटिक है कि नहीं। जब पुलिस रिपोर्ट आई है वहां तो पुलिस ने ऑलरेडी एफर्ट कर दिए ऑथेंटिसिटी चेक करने के, लेकिन जहां डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे वहां भी तो मजिस्ट्रेट चेक करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। और उससे रिलेटेड आखिरी सेक्शन देखिए 226 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, अगर उसको लगता है बकवास तो डिसमिस कर देगा, वो पावर वहां भी है। इतना क्लियर। अब जब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई तो मैंने क्या कहा, आप क्या करते हैं, आप लेते हैं इस चीज का कॉग्निजेंस। 210 देखिए जरा चैप्टर 15 इसके पहले वाला चैप्टर। अब क्योंकि ये थोड़े साइमल्टेनियस सी प्रोसेसेस हैं आप बात समझ रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक चैप्टर देना था, इसलिए बहुत सीक्वेंस नहीं है, वो सीक्वेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम के थ्रू। सो अब देखिए 210 में लिखा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, क्या लिखा है चैप्टर का नाम, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। अभी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो रही है, ये वो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए ताकि हम प्रोसीडिंग इनिशिएट कर पाए। यहां 210 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की, जरा 210 ओपन करिए, जो मैं आपको अभी बातें बता रहा था वो चेक कर लेते हैं एक बार कि तीन तरीके से कॉग्निजेंस होगा। सेक्शन नंबर पूरे इधर के उधर हो गए हैं, सीआरपीसी में 190 था वो याद था, 210 अभी याद है ही नहीं, जिनने नहीं पढ़ा वो सेफ है, वो जिनको पुराने याद है उनको दिक्कत है कि पुराना हटाना फिर नया दिमाग में डालना, अपन सेफ है क्योंकि अपन ने पढ़ा ही पुराना याद नहीं है, अब नया कर लेंगे सीधे, है ना, एडवांटेज में है आप तो क्योंकि आपने पुराना नहीं पढ़ रखा। सो देखिए जरा इधर पे 210 में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस लिखा है ए में, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स। ये कौन सी कंप्लेंट की बात चल रही है, इसकी सीधे फैक्ट्स की रिपोर्ट लेके कौन, कंप्लेंट लेके कौन पहुंच गया, इन्फॉर्मेंट सीधे कहां पहुंच गया, मजिस्ट्रेट के पास। उसमें आगे लिखा है इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, ये नया ऐड हुआ है, ये इतना पोर्शन पहले नहीं था 190 में नहीं था, यहाँ कि अदर लॉ में भी अगर आप गए हैं तो भी चलेगा, वो सब अभी समझेंगे अपन डिटेल में। सेकंड देखिए बी अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, कौन सी पुलिस रिपोर्ट है, ये वाली पुलिस रिपोर्ट, ये इसके बेसिस पे भी कॉग्निजेंस लेगा। और तीसरा क्या लिखा है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, किसी और ने ऐसे ही बता दिया बिना कंप्लेंट फाइल करे, ये ओन नॉलेज है, खुद उसने देखा
ये ओन नॉलेज, तीनों केसेस में वो कॉग्निजेंस लेगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? मैंने आपसे पूछा तो मतलब तो आप समझ गए कि उसके नॉलेज में आया। ये चालू कब होता है कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस कब स्टार्ट होता है? जब आपके नॉलेज में आया। बेसिक एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं आपको थोड़ा समझा नहीं पा रहा था, मेरा सवाल इससे रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करा था। ये इंक्वायरी कहां चालू होती है? अब आ रहा मजिस्ट्रेट का बारा सीन में, इंक्वायरी कौन करता भैया? मजिस्ट्रेट करता ना। मजिस्ट्रेट इस सीन में कब आया है? या तो जब उसके पास कंप्लेंट गई है तब आया है, या फिर पुलिस रिपोर्ट गई है तब आया है। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि इंक्वायरी चालू कब होती है? कॉग्निजेंस लेने से? कॉग्निजेंस लेने से इंक्वायरी चालू होती है? भाई कॉग्निजेंस लेने का मतलब वो अपने नॉलेज में ऑफिशियली उस बात को ले रहा है इन हिज जुडिशियल पास। तो क्या कॉग्निजेंस लेने पे वंशदा प्रोटेस्ट रिपोर्ट? बेटा बता रहा हूं, अपने प्रोटेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग दोबारा पूछा, मैं बता रहा हूं, दो मिनट का समय दो मुझे। वंशिता कह रही है व्हेन मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड। क्या जुडिशियल माइंड? कि कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है? इंक्वायरी कहां चालू हो जाती है? कॉग्निजेंस लेने पे नहीं। इंक्वायरी यहीं चालू हो गई कि मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग लगा दिया उस पर। क्या दिमाग? कि कॉग्निजेंस लेना कि नहीं लेना। भाई रिपोर्ट आपके पास आई है, अब आप डिसाइड करेंगे ना वेदर टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है इस केस में। इंक्वायरी चालू हो गई भाई, ये नहीं कि कॉग्निजेंस लेने पे। जहां उसने ये जुडिशियल माइंड लगा दिया कि कॉग्निजेंस, क्योंकि इसका जो जुडिशियल माइंड है महंगा है, मेरिटोरियस लॉ स्टूडेंट, तीन स्टेज का एग्जाम। तो जहां उसने दिमाग लगाया वहां क्या चालू हो गया? इंक्वायरी। इंक्वायरी चालू हो गई वहां पे। इस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि इंक्वायरी कहां चालू होती है, क्या कॉग्निजेंस लेने पे होती है? तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा, कल ही मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर आप इस सब्जेक्ट को, बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो थोड़ा ऐसे पढ़ लिया जाए कि समझे अपन एक एक चीज क्या है, क्या प्रोटेस्ट पिटीशन, क्या अकरेंस रिपोर्ट, क्योंकि सब टर्म इधर लिखे नहीं मिलेंगे आपको वेर एक्ट में, है ना, और इंक्वायरी कहां एग्जैक्टली चालू हो रही है ये सब लिखा नहीं मिलता इधर। तो या तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लिया जाए, और नहीं तो दूसरा अपना फुल प्रूफ मेथड अपने पास है ही कि इसका आंसर भी होता है, वो तो नेवर फेलिंग अप्रोच है, उसमें तो प्री तो निकलना ही है उसमें, इसका भी होता है। लेकिन अब जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है जुडिशरी का, आप प्री के भी क्वेश्चंस देखिए थोड़े टेक्निकल होने लगे, इसलिए अपन कोशिश क्या करते हैं कि थोड़ा सा ढंग से समझ लें। ठीक, चलिए अब देखिए जरा इधर पे कि भाई ये आप या तो कंप्लेंट आई है, या तो पुलिस रिपोर्ट आई है, या फिर ओन नॉलेज, तीनों में से किसी भी तरीके से आप ये कॉग्निजेंस लेंगे। तो इसकी बात यहां करी गई है कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में। कंप्लेंट से रिलेटेड सारी बातें चैप्टर 16 में है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सारा, और इसके पहले का एक चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, दैट वॉज 13, वो ये प्रोसीजर आपका बता रहा था। अब इसके आगे समझिए क्या होगा, अब इसके आगे की बात करते हैं। ये हो गया या तो पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट या ओन नॉलेज, कुछ भी। कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट ऑफेंस का, केस का कॉग्निजेंस वो ले रहा है। अब कॉग्निजेंस लेके करेगा क्या? आगे प्रोसीड करेगा। मान लीजिए उसके पास रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट पे वो कॉग्निजेंस अगर ले रहा है तो अब वो क्या करेगा? बुलाएगा किसको? अक्यूज्ड को बुलवाएगा अपने सामने। अब अक्यूज हो सकता है पुलिस कस्टडी में हो, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, इस पूरी प्रोसेस के साइमल्टेनियस, इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी क्या हो सकता है, क्योंकि भैया कैसा ऑफेंस है, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी पुलिस, तो कभी भी उठा के ले जाएंगे वो, तो जब पैसे नहीं आए तब ले गए, जितने दिन आए उतने दिन बख्शा, जिस दिन नहीं आए उस दिन उठा के ले गए। तो हो सकता है कस्टडी में हो सकता है नहीं हो, हो सकता है नहीं हो, नहीं है तो क्या करेगा उसको? अब लोगों को बुलाना है ना सब देखने समझने के लिए। इसको कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस,
इश्यू ऑफ प्रोसेस। कॉग्निजेंस किस चैप्टर का पार्ट है जरा देखिए, कॉग्निजेंस चैप्टर है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं पहले वो, अब अपन बात कर रहे हैं प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की, वो कैसे होता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस से होता है। देखिए चैप्टर 17 देखिए 227 सेक्शन 227 चैप्टर का नाम देखिए क्या है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग अब कमेंस हो रही है। कॉग्निजेंस वाज अ प्रीरिक्विजिट, अब प्रोसीडिंग कमेंस हो रही है। उसमें पहला सेक्शन क्या है 227 इशू ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसीडिंग कमेंस कैसे होती है, इशू ऑफ प्रोसेस। तो ये या ये दोनों में से कुछ भी एक चीज आई इधर पे, अब क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस, अब कमेंस हो रही है प्रोसीड। इशू ऑफ प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, या तो वारंट इश्यू करता है या समन इशू करता है। कैसे बुलाना है इस पे, समन इशू करना मतलब डायरेक्ट पर्सन को होती है समन, जिस व्यक्ति को बुलाना उसी के पास समन जाती है कि आपको पेश होना है इस दिन कोर्ट में। वारंट क्या होता है, पुलिस को ऑर्डर होता है कि इसको उठा के ले आओ, क्योंकि खुद पेश नहीं होगा इसलिए तुम लेके आओ इसे। तो वारंट या फिर समन कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द केस वो इश्यू ऑफ प्रोसेस करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, यस। तो ये देखिए अब होगा आपका इश्यू ऑफ प्रोसेस, यहां से कहीं से भी, जहां आप जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं कॉग्निजेंस के बाद, तो इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस होने के बाद बुला लिया आपने सामने, एक बात बताइए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, उनके ऊपर बर्डन होता है, उन्हें ये प्रूफ करना है कि ये अक्यूज्ड गिल्टी है, बिकॉज द कोर्ट प्रिज्यूम्स द अक्यूज्ड टू बी इनोसेंट। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है, इनोसेंट है, आप एविडेंसेस दीजिए इसके अगेंस्ट, आप प्रूफ करिए। इसीलिए क्रिमिनल केस ओपन कौन करता है, प्रोसिक्यूशन हमेशा। तो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद क्या होगा, इधर पे प्रोसिक्यूशन आएगा सीन में। प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, केस ओपन करेगा। केस ओपन करके बेसिकली वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने अक्यूज के ऊपर, और उन एलिगेशंस के सपोर्ट के लिए उनके पास क्या मटेरियल है। अभी पूरी सारी चीजें नहीं हो जाएंगी इधर कि एग्जामिनेशन ये वो, नहीं, अभी सबसे पहले केस ओपन होगा। बस वो ब्रीफ करेंगे कि ये एलिगेशन इस अक्यूज पे हम लगा रहे हैं, और इसके इन एलिगेशन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास सब्सटेंस है, हमारे पास विटनेस है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये सब। अभी एंट्री केस में नहीं जाते, अभी सिर्फ इतना, ये सब भी आपको अब मिलना है इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद। जो मैं प्रोसिक्यूशन वाली बात कह रहा हूं ना, कि प्रोसिक्यूशन ओपन करता है, या कोई भी एक तरीके की ट्रायल उठा लीजिए, जरा आइए ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन देखिए 248 सेक्शन 240 कंटेंट में ही देखते जाइए बस। अभी अपन इंटर केसी में नहीं जा रहे हैं। चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें देखिए क्या हो रहा है 248 में, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 249 में क्या हो रहा है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन केस ओपन करता है। क्या करता है ओपन करने में, एलिगेशन बताता है और अपने मटेरियल बताता है कि ये है हमारे पास इनको प्रूफ करने के लिए। अब इनको देखता है कोर्ट, और अगर कोर्ट को लगता है कि बकवास कर रहा प्रोसिक्यूशन, तो अगला क्या लिखा है 250 में, डिस्चार्ज। अगर प्राइमा फेसी लगता है कि ये तो फालतू ले, इनके पास कोई सब्सटेंस है नहीं केस में, तो इधर क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज हो सकता है। इधर अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करा जा सकता है कि सफिशिएंट नहीं है, केस प्रॉपर नहीं है प्रोसिक्यूशन का, इसलिए डिस्चार्ज मिल सकता है। अब बीएनएसएस में एक नई करामत बताऊं आपको इस डिस्चार्ज से रिलेटेड। सेशन ट्रायल में देखिए डिस्चार्ज दिख रहा है 250 में आपको, हाँ 262 देखिए, वारंट केस की ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, डिस्चार्ज दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है ना, वारंट ट्रायल में। समन ट्रायल में पहले नहीं होता था, समन ट्रायल में पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। जरा एक बार समन ट्रायल के प्रोसीजर देखिए, 274 ऑनवर्ड्स ओपन करिए सेक्शन 274। ये वाला जो डिस्चार्ज है ये पहले नहीं था, ये बाद में आया है। कौन से केसेस में,
समन में 274 प्रोविजो देखिए जरा, ये नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था सीआरपीसी में। प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स द एक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस, ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग रिलीज द अक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कम सीरियस ऑफेंसेस हैं। समन केसेस कौन से होते हैं? वारंट केस, समन केस, थोड़ा बहुत पता आपको क्या होता है समन और वारंट केस? समन केस इसलिए कि लेस सीरियस हैं, इनमें समन भेजी जाती है, वारंट केस में वारंट भेजा जाता है, सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। तो इनमें यह चीज नहीं थी, ये एक्सप्रेसली लिख दिया गया अभी प्रोविजो ऐड करके, ये पहले नहीं था। तो ये डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज कब है? प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया, उसकी बात हमने सुनी, देखा क्या एलिगेशन लगाए, और उन्होंने ये बताया कि उसके लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या एविडेंसेस हैं, उसको ही देख के कोर्ट को लगा कि बकवास कर रहे हैं ये। तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट? डिस्चार्ज कर देगा। आई होप दैट्स क्लियर। यस, डिस्चार्ज यहां हो जाएगा। एक होगा कि अगर नहीं लगा सब्सटेंस तो डिस्चार्ज, अगर सब्सटेंस लगा केस में तब क्या होगा? तब क्या होगा? आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? देखिए 251 पे वापस आइए, अपन सेशन को ही फॉलो करते हुए चलते हैं। 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर है प्रॉपर सब्सटेंस तो डिस्चार्ज नहीं होगा, फिर क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या है भाई? देखिए पुलिस ने तो एलिगेशन लगाए, चार्जशीट बनाई। अब मैंने क्या बताया कि पुलिस है ये, तो ये कौन है? पुलिस। पुलिस ने बनाई है चार्जशीट। पुलिस कौन? दारोगा जी। दारोगा जी ने गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और दौड़ लगाई है, लॉ नहीं पढ़ा उन्होंने, ये सच्चाई है भाई। दौड़ लगाई है उन्होंने। वो फिजिकल एकेडमी के वीडियो देखता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। वो दो तीन फिजिकल एकेडमी है, दौड़ लगवाते हैं दारोगा जी, क्योंकि उनका मैनुअल काम ज्यादा है भाई, पकड़ना है दौड़ के। तो उनका उतना ही कैपेसिटी है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी लगा देते हैं। उनने थोड़े ना आईपीसी पढ़ रखा था बहुत अच्छे से, और ना वो ये नया वाला पढ़, उनने पुराने नहीं पढ़ रखा था, तो नया क्यों पढ़ेंगे वो? तो वो तो 3-5 लगा देते हैं ऊपर नीचे, उनको थोड़ा बहुत अंदाजा होता है सिर्फ कि ये है। अब उनको और दिक्कत हो रही है, पुराने उन्होंने रट लिए थे कि ये हुआ है तो ये लगाना है, ये हुआ है तो ये चार्ज बनाना है, ये हुआ तो ये बनाना, इतना रट लिया था। अब वो पूरा बदल गया, पूरे सेक्शन बदल गया, परेशान है दरोगा जी बहुत ज्यादा। अब तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है नया कार्यक्रम। तो वो तो अपने हिसाब से बना के ले जाते हैं, वो चार्जेस ऑफिशियल नहीं होते। अब मजिस्ट्रेट के पास जब आती है सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, और ये प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करता है, एविडेंसेस बताता है, अब मजिस्ट्रेट करता है चार्ज फ्रेमिंग। वो जो एक पेपर होता है ना जुडिशियरी में, जजमेंट राइटिंग, उसमें चार्ज फ्रेमिंग भी होती है, जिसके लिए बच्चा पहले दिन से परेशान है। आज जुडिशियरी की तैयारी चालू करनी, कल उनको चार्ज फ्रेमिंग सीखनी है, और परसों उनको जजमेंट राइटिंग करना है। और सीआरपीसी पेपर कैसे निकाला था? सेमेस्टर में बिना पढ़े, और आते ही उनको क्या सीखना है जीवन में? चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग। इतना मजाक नहीं है भैया, उसके लिए सब्सटेंटिव लॉ का प्रॉपर नॉलेज चाहिए। चार्ज फ्रेमिंग क्या है? फैक्ट्स पता है आपको, ये इस बंदे ने हरकत करी है, दरवाजा तोड़ा है, उसके बाद एक तलवार लेके गला काटा है, या फिर एक हैमर लेके सिर खोल दिया है, ये सब फैक्ट्स हैं। अब इसके बेसिस पे चार्ज फ्रेम करना है। चार्ज फ्रेम करने के लिए आपको आईपीसी के प्रोविजन पे क्लैरिटी चाहिए कि कौन से, किस तरीके के एक्ट में कौन सा ऑफेंस होता है, तब तो चार्ज फ्रेम करोगे। तो उसके लिए पूरा आईपीसी पढ़ना पड़ता है पहले ढंग से, फिर होती है चार्ज फ्रेमिंग। और इसलिए ये चार्ज फ्रेमिंग कौन कर रहा है इधर? मेरिटोरियस लॉ स्टूडेंट, इसलिए मेरिटोरियस लॉ स्टूडेंट कर रहा चार्ज फ्रेमिंग, क्योंकि पढ़ के आया ना भाई, वो क्लास करी उनने ऐसे बैठ के, उनको पता है कैसे करना है चार्ज फ्रेमिंग। तो वो ऑफिशियली चार्ज फ्रेम करेंगे फिर, ठीक। फिर ये चार्ज पढ़ के सुना जाएंगे किसको? अक्यूज्ड को, कि भैया ये चार्ज है तुम्हारे अगेंस्ट, पूरा फॉर्मेट होता है उसका चार्जेस फ्रेमिंग का। फिर पढ़ के सुना जाते हैं चार्ज उसको, अक्यूज्ड को, और चार्ज उसको पढ़ के सुनाने के बाद उससे पूछते हैं, अब तुम बताओ डू यू प्लीड गिल्टी? या तो वो वहीं मान जाएगा कि हाँ साहब ठीक है मैंने करा है, और या तो वो क्या करेगा, मना कर देगा कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई वुड लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ,
डिफेंस करेगा वो, या तो गिल्टी प्लीड कर लेगा इतने के बाद। ये प्रोसीजर आगे है, देखिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस देखा 251, 252 देखिए 252, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, इसके बाद क्या आता है प्ली ऑफ गिल्टी या कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कि अगर वो खुद गिल्टी प्लीड कर लेता है तो कोर्ट कन्विक्ट कर देगा भाई, फिर क्यों आगे की कहानी करना यार, कोर्ट का समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर यही गिल्टी प्लीड कर रहे हैं तो उठा के कन्विक्ट करो। मान तो लिया आपने चार्जेस लगाए, आपने चार्जेस पढ़ के सुनाए, अक्यूज ने कहा हां साहब मैंने किया है, खत्म करो। अब एक सवाल मेरा आपसे है कि मान लीजिए अक्यूज यहां पे गिल्टी प्लीड कर देता है, कहता हां मैंने किया है, तो ऐसे केस में जज को कन्विक्ट करना है या फिर जज कहेगा नहीं नहीं हम तो आगे प्रोसीड करेंगे, एविडेंस लाओ अपने डिफेंस, प्रोसिक्यूशन से बोलेंगे एविडेंस लाओ, फिर डिफेंस से बोलेंगे तुम अपने एविडेंस लाओ, आर्ग्यूमेंट होगा, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कन्विक्शन करना है कि एक्विटल। क्या जज ये कर सकता, क्या मजिस्ट्रेट ये कर सकता है यहाँ, या अभी सेशन ट्रायल पढ़ रहे हैं तो क्या सेशन जज ये कर सकता है कि गिल्टी प्लीड करने के बाद भी अक्यूज्ड के वो आगे प्रोसीड कर सकता है? बिल्कुल, डिस्क्रेशन है जज साहब का, क्योंकि भाई वो अगर गिल्टी प्लीड कर रहा है कहां से लाया गया उसको इधर, बहुत संभावना है कि वो कहां था, अरेस्ट होके पुलिस की कस्टडी में था, और पुलिस के कैरेक्टर पे जितनी उंगली सीआरपीसी ने उठाई इतनी किसी ने नहीं उठाई आज तक, वहां से लाए हैं, क्या पता लपाड़े खा के आया है ये, और इसको समझा बुझा के भेजा गया है कि बेटा जाके तुरंत गिल्टी प्लीड कर लेना, नहीं किया तो आगे ट्रायल तो चलेगी लेकिन कस्टडी में रहोगे तो फिर समझ लेना उस हिसाब से। दिन के 6 लपाड़े, 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच, 2 डिनर रोज का है, तो उस हिसाब से देख लो क्या करना है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी प्रेशर में गिल्टी प्लीड कर रहा हो, और भाई साहब आप कौन है, मेरिटोरियस लॉ स्टूडेंट, जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि ऐसा कुछ ना हो इधर, आपको बैलेंस बनाना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट में, उस अक्यूज्ड का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैम्पर होगा इधर अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है तो, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, 70% वाले लॉ ग्रेजुएट के ऊपर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आप चाहें तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं भले वो गिल्टी प्लीड कर ले उसके बाद भी। अब देखिए उसके बाद आगे कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, उसके बाद अब यहां या तो वो गिल्टी प्लीड करेगा और कन्विक्शन कर देगा जज, या कन्विक्शन नहीं करेगा, कन्विक्शन नहीं किया तो आगे क्या होगा, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक डेट फिक्स होगी कि प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लाए, पहले आपने क्या किया था सिर्फ बताया था, लिस्ट ऑफ एविडेंस देते हैं इधर बस कि हमारे पास ये है प्रूफ करने की, अब लाओ प्रूफ करो आगे, अगर इतने में ही बात बन जाती तो यही खत्म कर देते, या तो डिस्चार्ज कर देते या वो खुद गिल्टी प्लीड कर लेता, लेकिन अगर ये सब नहीं हो तब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चालू होगा, अब डेट फिक्स होगी। उसके बाद अगला सेक्शन देखिए, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अब सारे एविडेंसेस देखे जाएंगे कि लाओ भाई विटनेस है बुलाओ, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सब कार्यक्रम चलेगा। तो पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस होंगे, उसके बाद एक 255 में एक्विटल ये सिर्फ सेशन के पास है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस एग्जामिन करने के बाद सेशन जज कोर्ट को अगर लगा कि भैया बकवास है तो यही एक्विटल दे सकते हैं वो, जैसे डिस्चार्ज दे रहे थे पहले यहां एक्विटल, बाकी ट्रायल में एक्विटल का ये नहीं है बाद में। उसके बाद प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सुनने के बाद क्या होगा, एंटरिंग अपॉन डिफेंस, एंटरिंग अपॉन डिफेंस का क्या मतलब है, डिफेंस अक्यूज को बोला जाएगा चल अब तू लेके आ एविडेंस अपने, प्रोसिक्यूशन ने तो ले आया अब तू डिफेंड कर अपने आप, तू लेके अपने एविडेंसेस, उसके एविडेंसेस स्क्रूटनाइज होंगे, फिर आगे क्या होगा आर्ग्यूमेंट, उसके बाद जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये पूरा प्रोसेस है, कहां से चालू हुआ था, इंफॉर्मेशन से, कहां तक पहुंच गए अपन, पनिशमेंट, वही जो आईपीसी और सीआरपीसी कहानी बीच में बताया था मैंने कि आईपीसी होता है कि ऑफेंस है कि नहीं, हुआ या नहीं, और उससे कन्विक्शन या एक्विटल तक की कहानी, ये सब इधर है। समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है, आ रहा है आपके समझ में क्या चल रहा है? अब आप जरा ये बताइए मुझे कि ये जो प्रोसेस अपन ने पूरी पढ़ी, इश्यू ऑफ प्रोसेस ये सब, इसमें कहां इंक्वायरी कहां तक है और ट्रायल कहां से चालू हुआ? इधर बेरेट में तो ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन 248 से चालू हो रही, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स,
क्या यही ट्रायल है? केस ओपन करा प्रोसिक्यूशन ने, यहां से ट्रायल स्टेज चालू हो गई है क्या? बताइए जरा, तब तक कुछ डाउट्स हैं वो देख लेता हूं मैं। वंशिता ने लिखा है, अगर मैजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन आउटसाइड हिज ज्यूरिसडिक्शन मिली है तो उस केस में क्या होगा? ये सब बेटा बात करेंगे अपन, बहुत इंट्रिकेसी में अभी जा रहे हैं, ये सारी बातें अभी होंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। एक और चीज लिखी है विजय लक्ष्मी ने, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सबमिटिंग द अकरेंस रिपोर्ट। ये सब बेटा आप इंट्रिकेसी में चले गए। ये तो आप वो कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया और जज साहब ने पूरे एविडेंस ही स्क्रूटनाइज कर डाले। ऐसे नहीं होता, देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग ना। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी अपन आज सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या है, सब बात करेंगे अपन। और अब तो नया वाला आया है तो इसमें तो और ही देखना है अपने, वो सब इंट्रिकेसीज हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज को अपन डील करेंगे। अच्छा, वंशिता ने लिखा है ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम प्ली ऑफ गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्ट से स्टार्ट होती है ट्रायल, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। सिद्ध कह रहा है कॉग्निजेंस से ट्रायल होती है। अच्छा ओके, कॉग्निजेंस से होती है, आफ्टर प्ली ऑफ गिल्ट कोई कह रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट। आशिता ने कहा है क्रॉस एग्जामिनेशन कब होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन इधर ही हो जाता है बेटा, जब ये स्क्रूटनाइज होता है ना, ये सब खत्म होने के बाद जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस बुलाए जाते हैं तो वहां भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जब डिफेंस के एविडेंसेस लाए जाते हैं वहां क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करता है, तो वहां होता है। ये जो आप दो प्रोविजन देख रहे हैं ना, इनमें होता है 254 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन और एंटरिंग अपॉन डिफेंस 256। इन सब इंट्रिकेसी में जाएंगे, अभी घबराइए मत। और वैसे भी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस में पढ़ेंगे अपन। तो भाई चलिए, अभी तो आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं और आप नहीं बता पा रहे हैं कि किधर पे इंक्वायरी खत्म हो रही है ढंग से और किधर ट्रायल चालू हो रही है। इंग्लिश बोल के बात को घुमा रहे हैं आप, ये मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आ नहीं रहा आपको कि किधर खत्म होगी इंक्वायरी। तो जो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, अब इससे आगे अपन बढ़ेंगे कल। आज हमने कितनी बात करी है, ये पूरा प्रोसेस हमने कर लिया, इन्फॉर्मेशन के आने से लेकर एंड तक का एक ब्रीफ हमने देखा। कल थोड़ा डिटेल में अपन जाएंगे किन के, क्योंकि ये क्वेश्चन है अब मेंस के, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल तीनों के बीच का डिफरेंस या तीनों क्या होते हैं, ये मेंस का सवाल है। कल इसको डील करूंगा, नोट्स भी दूंगा, आज तो नोट्स वाला कुछ था नहीं, इट वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कल हम ये भी डील करेंगे, कल हम कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी डील करेंगे, और जैसे आज ये कहानी मैंने आपको बताई है इंफॉर्मेशन से लेके एंड तक, वैसे ही एक कहानी कल और देखेंगे, ये वाली थोड़ी सी अरेस्ट, इसमें क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है अलग, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अरेस्ट रिलेटेड काफी बातें, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, कितने दिन होगी, क्या नहीं होगी, और वो उसमें चेंजेस भी हैं बीएनएसएस में, काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को लेके, तो वो सब अपन डील करेंगे ब्रीफ में कल। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एक 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 करके फिर प्रोविजन वाइज पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू द बेयर एक्ट, एक एक करके प्रोविजन और डिटेल्स अपन पढ़ें, उसके पहले आपको ये कहानी क्लियर करनी है अपने दिमाग में। अगर ये आप नहीं कर पाए हैं तो बिलीव मी, आपको सीआरपीसी कभी समझ नहीं आएगा। आप पढ़ते जाएंगे प्रोविजन की कंप्लेंट में क्या है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में क्या है, इश्यू ऑफ प्रोसेस के प्रोविजन समझने में दिक्कत नहीं होगी, बट उसका कोरिलेशन कि वो फिट किधर हो रहा है इस प्रोसेस में, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पूरा जो हमने आज का डिस्कशन किया है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इश्यू ऑफ प्रोसेस, आप प्रोविजन उठा के पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहां हो रहा है, दोनों स्टेजेस में कब ये स्टेज आएगी, दोनों केसेस में, चाहे मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट गए हैं या पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, ये स्टेज कब आएगी, ये सब बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। और इसलिए हमने इस पूरी कहानी को आज समझा है बिफोर स्टार्टिंग विद दी प्रोविजंस। ऑल राइट, तो कल और दो तीन बेसिक चीजें, अरेस्ट की स्टोरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सब 24 घंटे की कहानी, 15 घंटे, 60 दिन, 90 दिन, अब नया आ गया है 60 90 के अलावा 40 60 भी आ गया है, तो वो सब क्या गणित है वो समझेंगे कल पूरा अरेस्ट का, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझेंगे,
और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल समझेंगे, और ये सब मेंस के सवाल भी हैं दोनों, तो इन दोनों को भी प्रोबेबली हम कल की क्लास में डील कर लेंगे। ठीक, तो आई होप जितना आज मैंने आपको बताया है ये आपके समझ में आया है, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आगे दिक्कत ही होनी है हमेशा। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए, इस प्रोसेस को अपने जहन में बिठा लीजिए, फिर अपन जब एक 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 प्रोविजन पढ़ेंगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू।